स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैलरी चैप्टर में कुछ चीजें बैकग्राउंड में आपको पता होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब पेयर और पेई के बीच रिलेशनशिप डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल का है तभी हम उसको सैलरी हेड में कवर करते हैं। अगर डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल का कवरेज नहीं है तो उस केस में तो हम उसे पीजीबीपी या फिर आईएफओएस के या फिर किसी और हेड में डिपेंडिंग अपॉन चार्जिंग सेक्शन कवर किया जाता है। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 15 है जो कहता है सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इससे फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, एम्प्लॉयर आपका पास्ट वाला है, प्रेजेंट वाला है या फ्यूचर वाला है। मतलब अगर आपको किसी पास्ट एम्प्लॉय से कोई कॉम्पेंसेशन मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में कवर होता है, पेंशन मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में कवर होता है, करंट एम्प्लॉयर से कोई सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है वो तो ऑब्वियसली कवर होता है। आपका एम्प्लॉयर अभी बना नहीं है, बनने वाला है और उससे पहले ही आपको ज्वाइनिंग बोनस या कुछ दे दिया गया है उसे भी कवर किया जाता है। इनकम टैक्स में सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक समान ही ट्रीट किए जाते हैं। आप कैजुअल लेबर हैं या रेगुलर लेबर हैं इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्ड यूज हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वर्ड यूज हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है यानी वो सैलरी है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो वो प्रोफेशन है जिसे हम पीजीबीपी या फिर आईएफओएस में कवर करते हैं। अगर आपको कहा जाता है आपने अपनी सैलरी फोरगो कर दी यानी जाने दी तो भी उसको टैक्सेबल किया जाएगा। एप्लीकेशन क्या किया है उस पैसे का उससे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर आपने उसे डोनेट किया होगा जो 80G में कवर्ड है तो जीटीआई के बाद डिडक्शन मिलेगा, बाकी अदरवाइज सैलरी हेड में फोरगो करने पे भी पूरा का पूरा टैक्सेबल किया जाता है। कई बार हम सैलरी सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट को, अगर सरेंडर की होगी सैलरी तब हम उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। सैलरी का मतलब खाली इन कैश नहीं होता, इन काइंड को भी कवर किया जाता है। खाली इन कैश और इन काइंड नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कवर किया जाता है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है दैट इज ग्रेड ऑफ सैलरी। कई बार आपको एग्जाम में सैलरी देते वक्त या बेसिक सैलरी देते वक्त ऐसा कहेंगे कि आपकी सैलरी है 24,000/2,000/48,000/4,000/60,000। इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया है 24,000/2,000/48,000/4,000/60,000। अगर इस तरीके से प्रोवाइड किया है तो आप इसका मतलब समझना जिस दिन आपने ज्वाइन किया होगा वहां से एक साल तक हर महीने आपकी सैलरी 24,000 रहने वाली है। एक साल तक हर महीने 12 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सैलरी 24,000 पर मंथ रहने वाली है। लेकिन जैसे ही एक साल खत्म होगा आपकी सैलरी 2,000 से बढ़ जाएगी यानी 26,000 पर मंथ हो जाएगी। एक साल और खत्म होगा 28,000 हो जाएगी, एक साल और खत्म होगा 30,000 हो जाएगी। ऐसे हर साल 2,000 का एस्केलेशन होगा जब तक 48,000 पर मंथ पे नहीं पहुंच जाते। जिस साल आप 48,000 पर मंथ पे पहुंच गए उसके अगले साल से 4,000 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी यानी 52,000 हो जाएगी, उसके अगले साल 56,000 और उसके अगले साल 60,000 पर मंथ, और क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं दिया 60,000 पर मंथ पे ही आपकी सैलरी चलती रहेगी। इस तरीके से ग्रेड ऑफ सैलरी की समझ होना जरूरी है क्योंकि कई बार पूरा क्वेश्चन बेसिक सैलरी का इसी पे बेस्ड होता है जिसपे हमें बाकी कैलकुलेशंस करनी होती है। जब हम सैलरी कहते हैं तो कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर एक पार्टनर को फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म सैलरी मिली है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, उसे पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल किया जाता है। कोई एमपी एमएलए एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे हम पीजीबीपी आईएफओएस में टैक्सेबल करते हैं, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करते। आईएएस आईपीएस आईआरएस वगैरह को जो सैलरी मिलती है वो तो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल किया जाता है। डायरेक्टर को सैलरी मिलती है तो चेक करना है होल टाइम डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है यानी उसे सैलरी हेड में कवर करेंगे, पर पार्ट टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, देयर बाय वो पीजीबीपी आईएफओएस के अंदर कवर किया जाता है। ये कुछ बेसिक बैकग्राउंड मटेरियल है जो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और फॉर्मेट क्विकली डिस्कस करा देता हूं। आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन नंबर 15-17 के साथ साथ रूल्स प्लस सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 10 से लेकर 10 क्लॉज 14 तक का हम कवरेज करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन है जो कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। या तो देना बनने योग्य हो गया है या फिर मिल गया है। तो अगर आपको कोई सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो जिस साल मिल जाती है उसी साल उसे टैक्सेबल कर दिया जाता है, क्योंकि एडवांस में मिलते ही रिसीट उसका तुरंत के तुरंत हिट हो जाता है। कई बार आपको सैलरी मिलती नहीं है लेकिन ड्यू हो चुकी है, भले आउटस्टैंडिंग है, तो जिस महीने ड्यू हो गई वो उसी साल जिस महीने में वो फॉल होता है उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। याद रखना एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी जिस साल मिलती है
उसी साल टैक्सेबल होती है। एरियर्स ऑफ सैलरी जिस साल मिलती है उसी साल टैक्सेबल होती है जिसके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 89 में हमें रिलीफ मिलता है, जो हम डिस्कस करेंगे जब एंड ऑफ द चैप्टर पे पहुंचेंगे। सेक्शन नंबर 15 ने तो खाली इतना कह दिया, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर। अब सैलरी का मतलब क्या है, वो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 में दिया है, जिसमें 17 सबसेक्शन 1 कहता है सैलरी में परक्विजिट्स भी आते हैं और प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी भी आती है, जिसमें 17(2) परक्विजिट्स डिफाइन करता है और 17(3) प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी कवर करता है। जब हम इन सब चीजों को ऐड करते हैं तब हमें मिलती है ग्रॉस सैलरी, जिस ग्रॉस सैलरी में से कुछ 3 डिडक्शंस दिए जाते हैं। तीनों डिडक्शंस देने के बाद जो हमें मिलता है वो नेट सैलरी होती है, जिसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी कहते हैं और उठा के ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल करते हैं। ये 3 डिडक्शंस सेक्शन नंबर 16 में दिए हैं। 16(1)A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सारे एम्प्लॉइज को, व्हाटसोएवर मे बी अप टू 50,000। 16(2) और 16(3) में एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का हमें डिडक्शन मिलता है। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में सेक्शन 15 चार्जिंग है, सेक्शन 16 खर्चे हैं और सेक्शन 17 डेफिनेशंस है, जिससे हमें ग्रॉस सैलरी में क्या क्या लेना है उसका आइडिया लग जाता है। एंड क्योंकि परक्विजिट्स भी सैलरी का पार्ट है, परक्विजिट्स की वैल्यूएशन करने के लिए हमें रूल 2B, रूल नंबर 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स रीड करना होता है। हम जानते हैं हमारे देश में सैलरी वाले बिचारे होते हैं। सैलरी वाले बिचारे क्यों होते हैं, क्योंकि टैक्स तो वही भरते हैं या कॉर्पोरेट्स भरते हैं, क्योंकि उनको तो पूरा का पूरा पैसा अकाउंटेड फॉर्म में मिलता है जिसपे टीडीएस कट जाता है और जनरली सैलरी पे आम आदमी काम करता है। इसीलिए आम आदमी को कई सारे एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। ये सारे एग्जेम्पशंस सेक्शन 10(10) से लेके 10(14) के अंदर कवर किया है, जो हम इसी के साथ साथ कवर करते चले जाएंगे। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या बनाना है। जैसे ही सैलरी का क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत हेडिंग डाल दिया आपने, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ दिस पर्सन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। जितनी भी चीजें हैं वो सब लिखते चले जाओ, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, परक्विजिट, एनीथिंग, सब लिखते चले जाओ पूरा फुल स्केप पेज, और जो निकल के आएगा उसके एडिशन से वो ग्रॉस सैलरी होगा। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस दे दो, डिडक्शंस 3 ही पॉसिबल है, 16(2), 16(3), 16(1)A, एंड ये डिडक्शंस देने के बाद जो आएगा दैट इज योर नेट सैलरी। नेट सैलरी इज ऑल्सो नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का मेथड और फॉर्मेट सिर्फ इंडिविजुअल का होता है ना, बाकी पर्सन के लिए तो कोई सैलरी होती ही नहीं है। यानी कि सैलरी का क्वेश्चन मतलब इंडिविजुअल का ही क्वेश्चन होगा। एंड ये जो नेट सैलरी आएगी ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। मतलब लॉस फ्रॉम सैलरी इज समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। जो आएगा वो या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या रेयर सिचुएशंस में जीरो का नंबर निकल के आएगा। आपके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सारे एम्प्लॉयज से जितनी भी सैलरी मिली है वो सब एक साथ ली जाती है और फिर जीटीआई के अंदर ऐड की जाती है। इनफैक्ट ये बात हम टीडीएस के सेक्शन नंबर 192 में भी पढ़ते हैं कि जब आपको एम्प्लॉयर सैलरी देता है और मल्टीपल एम्प्लॉयज होता है तो आपको किसी एक एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना होता है और उस एम्प्लॉयर को बोलना होता है बाकी एम्प्लॉयर से मेरी इतनी सैलरी है, आप उन पूरी सैलरी के ऊपर आप अकेले जन टीडीएस काट लेना। टीडीएस काटते वक्त आपको यह भी बताना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को कि आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है या फिर नहीं। एंड दैट इज वाई हम इस चैप्टर को पढ़ते वक्त यह भी देखते जाएंगे कहां कहां 115 बीएससी में आपको बेनिफिट नहीं मिलता और कहां कहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब आराम से नॉर्मल में भी बेनिफिट मिलेगा और 115 बीएससी के अंदर भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डिस्कशन से, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है। टैक्स इट इज सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। सैलरी इन एरियर्स इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। याद रखना सैलरी ऑफ एरियर्स रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल किया जाएगा, जिसमें प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा होता है कि जब भी कोई सैलरी मिली है फॉर सर्विसेज इन इंडिया तो इट इज ऑलवेज डीम टू अक्रूअलाइज इन इंडिया, ऑलवेज। बट अगर कोई सर्विसेज इंडिया के बाहर दी है और सैलरी मिली है तो उसे अक्रूअलाइज इन इंडिया तभी मानेंगे जब वो सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी होगी टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ये हमारा प्लेस ऑफ अक्रूअल ऑफ सैलरी का डिस्कशन होता है, जिसमें आपके सामने 17(1) सैलरी में क्या आएगा और 17(2) परक्विजिट्स में क्या आएगा और 17(3) प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी में क्या आएगा, उसका एक पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। जो याद नहीं करना, सीधे सीधे जब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कवर होते जाते हैं। कॉम्प्यूटेशन का फ्लो क्या होगा, पहले जितनी भी चीजें हैं उसको उठा के ग्रॉस सैलरी निकाल लो, उसमें से डिडक्शंस दे दो और डिडक्शंस देने के बाद आपको इनकम अंडर द हेड सैलरीज मिल जाएगा, जिसमें वी फर्स्ट टॉक अबाउट अलाउंसेस। याद रखना जिस अलाउंस के बारे में आपको कुछ पढ़ाया जाए, जिस अलाउंस के बारे में कुछ पढ़ाया जाए उस अलाउंस के रिलेटेड एग्जेम्पशन है। जिस अलाउंस के बारे में मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं मतलब समझ लेना वो फुल्ली टैक्सेबल है।
फुल्ली टैक्सेबल है, उसको उठा के सीधे ग्रॉस सैलरी में डाल देना जिस अलाउंस के बारे में कोई एग्जेम्पशन ना पढ़ाया जाए। तो दिस इज अ थंब रूल जो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपके सामने एक चार्ट है जिसमें ये डिस्कस किया है कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्स किए जाते हैं, कौन से पार्टली टैक्स किए जाते हैं, और जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं। अब जो फुल्ली टैक्सेबल वाली लिस्ट है ना, उसको देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर सब कुछ लिख दिए गए हैं। आपको देखना किस पे चाहिए, पार्टली टैक्सेबल पे देखना चाहिए और फुल्ली एग्जेम्प्ट पे देखना चाहिए। अगर मैं पार्टली टैक्सेबल की बात करूं तो एचआरए पढ़ेंगे हम, जो सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 13A के अंदर कुछ एग्जेम्प्ट किया हुआ है और बाकी बचा हुआ टैक्सेबल हो जाता है। स्पेशल अलाउंसेस पढ़ेंगे हम जो 10-14 में कवर्ड है, 10-14 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अंदर कवर किया हुआ है कि कौन से अलाउंसेस स्पेशल अलाउंसेस है जिनके रिलेटेड एग्जेम्पशन दिया हुआ है। और यहां लिखे हुए जो भी अलाउंसेस है ना, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब दिखे पूरा उठा दो, ग्रॉस सैलरी में उसे इंक्लूड ही नहीं करना। जिसमें पहला दिया है अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, दिस इज बेसिकली जो कमीशन एजेंट्स है, कमीशन एजेंट मतलब जो हाई कमीशन में काम करते हैं, सॉरी फॉर दैट एजेंट वर्ड, हाई कमीशन वगैरह में काम करते हैं, एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स में काम करते हैं, उन कमीशन वालों को हम कह रहे हैं कि कोई भी अलाउंस या परक्विजिट मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता है। अगर यूएन ने कोई अलाउंस पे किया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। किसी भी तरह का समचरी अलाउंस अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और किसी तरह का कॉम्पेंसेटरी अलाउंस अगर किसी जज को मिला है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो ये तो बड़े स्पेसिफिक हो गए। हमें जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जनरली ये चार, यानी हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस ऑफ 10-14-1 एंड स्पेशल अलाउंस ऑफ 10-14-2, यही हमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी और अलाउंस लिखा जाए उसे सीधे फुल्ली टैक्सेबल कर देना, जैसे ओवरटाइम अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कुछ भी लिखा हो फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस में कई बार बच्चे गलती करते हैं, डियरनेस अलाउंस में ब्रैकेट में लिखा होता है परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो किसी लिमिट निकालने के लिए होता है। जब आप ग्रॉस सैलरी की टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हो तब तो पूरा डियरनेस अलाउंस लेना होता है, फुल डियरनेस अलाउंस इज टैक्सेबल। कभी भी आप उसका परसेंटेज टर्म्स जो होता है खाली वो नहीं लेते, पूरा का पूरा उठा के उसके अंदर ले लेते हो। तो अब हमारा फोकस पहले एचआरए पे आ जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया तो हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, एक रुपए का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यानी जो एग्जेम्पशन हम पढ़ रहे हैं वो तभी मिलेगा जब आपने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है, जिसमें 115 बीएससी के अंदर प्रोवाइड 1013A के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है कि आपका जो भी एक्चुअल एचआरए है पहले उसे लिख लो, उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होगा और एग्जेम्प्ट होने के बाद जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल एचआरए होगा। एग्जेम्प्ट कितना किया जाएगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा तीन चीजें निकाल के, व्हिचएवर इज लोअर, तीन चीजें निकाल के व्हिचएवर इज लोअर करो वो एग्जेम्प्ट होगा। एक्चुअल में से उसे लेस करो, जो बच के आया वो टैक्सेबल एचआरए है, और उसको उठा के ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लो। तीन चीजें क्या होगी, पहला जो एक्चुअल एचआरए है भाई, पहला तो वही हो गया जो एक्चुअल एचआरए है, क्योंकि एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ एचआरए दैट यू हैव रिसीव्ड, इसीलिए एक्चुअल एचआरए पहला अमाउंट हो गया। दूसरा, आपकी जो सैलरी निकाली गई है एज पर जीडी, व्हाट इज जीडी, जेस्टाटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस लॉ के हिसाब से जो सैलरी निकाली गई है उसका 40% या फिर 50%, 40% या फिर 50%, 40 या 50 कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो 50%, नहीं तो 40%, 40% और 50% ऑफ जीडी। तीसरा नंबर, जितना रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ जीडी, 10% फ्लैट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीडी। जिसमें जीडी का क्या मतलब हुआ दोनों जगह पे, ये याद रखना, हर जगह मेजरली ये यूज होता है। सबसे पहले बेसिक सैलरी पूरी लोगे, बेसिक सैलरी पूरी लोगे, डियरनेस अलाउंस खाली उतना ही लोगे जितना परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट है फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी जब रिटायर होगे तो जितना आपको डियरनेस अलाउंस जोड़ा जाएगा टू गिव यू रिटायरमेंट बेनिफिट, खाली उतना ही लेना है जीडी की लिमिट निकालते वक्त। एंड तीसरा, वो कमीशन Which is forming a part of percentage of turnover, यानी कमीशन अगर fixed है तो नहीं लेना है, अगर as a percentage of turnover है तो ही आपको उसे consider करना है। मतलब पूरी basic salary लोगे, dearness allowance खाली percentage forming part लोगे, और कमीशन तभी लोगे जब percentage of turnover form में दिया होगा। इन तीनों को add करोगे तो आपको GD की limit मिलेगी, उसी के ऊपर 40%, 50% लगाओगे as the case में भी, and rent paid minus 10% of GD करोगे। तीनों में से जो whichever is lower आएगा उसे सिलेक्ट करके एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल एचआरए इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। जिसके अंदर ध्यान रखना, एचआरए निकालते वक्त मंथ वाइज निकालना, मंथ वाइज यानी हर महीने का अलग अलग निकालना। क्यों? क्योंकि मंथ टू मंथ रेंट चेंज हो सकता है, मंथ टू मंथ सैलरी चेंज हो सकती है, मंथ टू मंथ प्लेस ऑफ लिविंग चेंज हो सकता है कि कुछ महीने दिल्ली रहे कुछ महीने सूरत रहे। तो 40% और 50% तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए मंथ टू मंथ निकालना। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एचआरए की टैक्सेबिलिटी, सैलरी ड्यू बेसिस पे ली जाती है,
ड्यू बेसिस पे ली जाती है, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर नहीं ली जाती, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल एचआरए, खाली ड्यू बेसिस पे ही आप उसे कंसिडर करने वाले हो। ये बातें हम एचआरए में ध्यान रखते हैं, एंड ये एचआरए कंप्लीट हो जाता है हमारा, तब हम हमारे नेक्स्ट अलावेंस पे आते हैं, दैट इज 10-14 का अलावेंस, स्पेशल अलावेंसेस 10-14-1 and 10-14-2। 10-14-1 कहता है कुछ अलावेंसेस जितने मिले उतना खर्च कर दो, जितना मिला उतना खर्च कर दो, तो पूरा एग्जेम्प्ट, जितना मिला उतना खर्च कर दो, यानी रिसीव्ड और एक्सपेंस विच एवर इज लोअर, रिसीव्ड और एक्सपेंस विच एवर इज लोअर, मतलब एक्चुअल माइनस, अगर पूरा का पूरा खर्च कर दिया तो जीरो इज टैक्सेबल, अगर कुछ ही खर्च किया और कुछ बच गया तो जो बच गया वो ग्रॉस सैलरी में शामिल हो जाएगा। एंड 10-14-2 बोलता है तुमने कितना खर्च किया इररिलेवेंट, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, जितना रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लोअर, यानी जितना मिला होगा और जितनी लिमिट हमने लॉ में दी है उन दोनों में से विच एवर इज लोअर हम तुम्हें एग्जेम करेंगे, तो एक्चुअल ले लो उसमें से माइनस कर दो, जितना मिला और रिसीव्ड विच, जितना मिला और लिमिट विच एवर इज लोअर, जो बच के आएगा वो टैक्सेबल होगा, जो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो 10-14-1 में आपको क्या ध्यान में रखना है, 10-14-1 में आपको ध्यान में रखना है डीटीसी राहु, डीटीसी राहु, व्हाट इज डीटीसी राहु, डेली अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये सारे अगर अलाउंसेस दिखे तो आप देखना कितना एक्सपेंस किया है, जितना एक्सपेंस किया है उतना ही आपको लेस कर देना है, पूरा एक्सपेंस कर दिया होगा तो जीरो टैक्सेबल होगा, कुछ कम एक्सपेंस किया होगा तो जितना बैलेंस है वो ग्रॉस सैलरी में आप डाल दोगे। अब डीटीसी राहु में भी ध्यान रखना, अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया तो डीटीसी तो मिल जाएगा, डीटीसी तो मिल जाएगा, बट अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया तो राहु मिलने वाला नहीं है, मतलब राहु वाले फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस ये अलाउ किए जाएंगे सेम लॉजिक पे, लेकिन राहु अलाउ नहीं किए जाएंगे, वो फुल्ली टैक्सेबल कर दिए जाएंगे, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 10-14-2 कई सारे स्पेशल अलाउंसेस की बात करता है, जिसमें सबसे जरूरी हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 200 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन कोई भी हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो वो दो चिल्ड्रेन आप कंसिडर कर सकते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी मिल रहा है तो फर्दर 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन, अगर आपको किसी ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया में भेजने की वजह से अलाउंस मिला है तो 200 पर मंथ, यहां कोई पर चाइल्ड थोड़ी होगा, 200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो याद रखना फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्पशन मिलता है 3200 पर मंथ का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी एम्प्लॉय को मिलता है जो या तो ब्लाइंड है या तो डेफ एंड डम है या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, नहीं तो वो 3200 का एग्जेम्पशन किसी को नहीं मिलता, वो फुल्ली टैक्सेबल किया जाता है। अगर आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो तो उस केस में आपको 70% ऑफ द अलाउंस जो मिला है और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो बड़ा स्पेसिफिक, खाली ट्रांसपोर्ट कंपनी की अगर आप एम्प्लॉय हो तो अलाउंस मिलता है 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, जिसमें ध्यान रखना इस पूरे 10-14-2 में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया, अगर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं अगर किया तो बाकी और कोई नहीं मिलने वाला, यानी 115 बीएससी ऑप्ट करते 10-14-2 पूरा भूल जाओ, खाली ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, वो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन सिर्फ ब्लाइंड या डेफ एंड डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को मिलेगा, बाकी तो और वो भी किसी को नहीं मिलता, चाहे आप 115 बीएससी ऑप्ट करो या फिर नहीं, तो 115 बीएससी ऑप्ट किया तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन अगर मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, बाकी और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद जो 10-14-2 में और एग्जेम्पशन दिए हैं वो इतने जरूरी नहीं है, फिर भी आप एक छोटा सा अंडरग्राउंड अलाउंस ध्यान में रख सकते हो, अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब माइंस वगैरह में अगर आप काम कर रहे हो तो माइंस वगैरह में काउंट कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा है अंडरग्राउंड वर्क करने के लिए, जो आपको 800 रुपए पर मंथ का एग्जेम्पशन दे दिया जाता है, बाकी और कोई पॉइंट्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्स में इतने जरूरी नहीं होते, पूछे नहीं जाते। ये हमारे 10-14 के एग्जेम्पशंस हो गए, यानी हमने अलाउंसेस में 10-13A एचआरए एंड 10-14 के स्पेशल अलाउंसेस कवर कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 16 के डिडक्शंस, 16-1A, 16-2 एंड 16-3। 16-1A स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो एकदम एंड में करने का, सब हो जाने के बाद पर करने का, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, याद रखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है आपको, मैक्सिमम 50,000 का मिलेगा, सबको मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, 50,000 मैक्सिमम है, मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से नेट सैलरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेट सैलरी नेगेटिव हो रहा होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके आंसर को जीरो कर दोगे, बट कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से ज्यादा तो मिलने वाला है नहीं, सबको मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये 16-1A है। 16-2 एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी मिला पहले तो उठा के उसको डाल दो ग्रॉस सैलरी पूरा डाल दो, और फिर उसके बाद डिडक्शन दो, लेकिन डिडक्शन तभी दो जब या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो,
या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर नहीं तो पूरा टैक्सेबल ही है, डिडक्शन भूल जाओ, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो तीन चीजें निकालो और तीन में से व्हिचएवर इज लोअर करो, पहला जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस है, दूसरा पूरे साल का 5000 फिक्स्ड अमाउंट, या तीसरा बेसिक सैलरी का 20%। तीन चीजें, एक्चुअल 5000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, व्हिचएवर इज लोअर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 16.2, 16.3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो लगाया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपने जितना पे किया, आपने जितना पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने जितना पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे कभी कभी किया, वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। वेरी सिमिलर टू म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वैसे का वैसे ही सेम टू सेम है, जितना पे किया होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अगर आप ऐसा कहते हो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो प्रोफेशनल टैक्स पहले आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया और फिर आपने पे किया, तो जितना आपके एम्प्लॉयर ने दिया उसको ग्रॉस सैलरी में ले लिया, और जितना आपने पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका आप डिडक्शन दे देना। तो अगर एम्प्लॉयर ने कुछ दिया ही नहीं, मैंने ही सीधे पे किया, तो जितना पे किया उसका सीधे सीधे डिडक्शन ले लो। मेरे एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया और फिर मैंने उसे पे किया, तो जितना एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया उतना ग्रॉस सैलरी का पार्ट, और जितना मैंने पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका मुझे डिडक्शन 16.3 के अंदर अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये 16.1 है, 16.2 एंड 16.3 का हमारा डिस्कशन हो जाता है। इसके बाद कुछ आते हैं प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी, जैसे कि रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, या वीआरएस वगैरह मिलते हैं, या लीव सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, जो हमारे सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, आपको जितना मिलता है उसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, और एग्जेम्पशन देने के बाद जो बचेगा उसे हम टैक्सेबल कर देंगे, ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लेंगे। एग्जेम्पशन कितना मिलता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में, जब आपको निकाला और पैसे दिए, तीन चीजें निकालो, पहला एक्चुअल जो आपका रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन है वो, क्योंकि उससे ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए, दूसरा फिक्स्ड अमाउंट है पूरे साल का 5,00,000, और तीसरा मेन कैलकुलेशन है जो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट किया जाता है। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस लेने हैं जिसमें आप राउंड ऑफ करोगे, यानी कि अगर कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इज इन एक्सेस ऑफ 6 months तो आगे की तरफ राउंड ऑफ करना होगा, नहीं तो पीछे की तरफ आना होगा। जैसे मैंने 30 साल 3 महीने काम किया है तो 30 साल लोगे, 30 साल 6 महीने काम लिया है तो फिर भी 30 साल लोगे, 30 साल 6 महीने 10 दिन काम किया है तो 31 साल लोगे, यानी जितने कंप्लीट किए एंड पार्ट ऑफ द ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 months तो उसको भी पूरा कंसिडर कर लोगे, 1 साल मान लोगे। इफ इट इज अप टू 6 months तो कम करके नीचे की तरफ आप उसे राउंड ऑफ करोगे। ईयर्स लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करो बाई 15/26 एंड देन मल्टीप्लाई करो विथ 3 months एवरेज सैलरी, 3 months एवरेज सैलरी। ये जो 3 months एवरेज सैलरी है ये आपको पिछले 3 महीने के लेनी है, जिस महीने आपको रिटायर किया गया या निकाला गया उसके पिछले 3 महीने, इसलिए मंथ टू मंथ लिखा हुआ है। 3 months एवरेज सैलरी लेनी है आपको, जिसमें सैलरी का मतलब और कुछ नहीं जीडी है, यानी वही बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो पिछले 3 महीनों का इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट 3 महीने का एवरेज सैलरी कंसीडर आपको करना होगा। इसे मल्टीप्लाई करके जो आया वो आपका तीसरा नंबर है, और तीनों में से जो व्हिचएवर इज लोअर होगा वो आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के अंदर। ऐसे ही देन नेक्स्ट आता है 10-10C वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर आपको पैसा दिया जाता है कि अब आप बूढ़े हो रहे हो, पहले ही पैसे लो और चले जाओ, हम और जवान लोग अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं, तब आपको वीआरएस मिलता है। जो वीआरएस मिला उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होगा और जो बचा हुआ होगा वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एग्जेम्प्ट क्या होगा, 4 चीजें, पहला तो एक्चुअली हो गया, दूसरा 5,00,000 का फिक्स्ड अमाउंट हो गया, तीसरा जो भी आपने आखिरी मंथली सैलरी ली होगी, जो भी आपने आखिरी मंथली सैलरी ली होगी उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करो और फिर कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करो, जिसमें कोई राउंड ऑफ नहीं होगा। मतलब 24 साल 7 महीने हो, 24 साल 8 महीने हो, या 24 साल 12 महीने हो, या 24 साल 1 महीने हो, 24 साल ही लोगे, यानी कंप्लीटेड ही लेना है, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होगा ही नहीं, नीचे ही रहोगे आप। तो लास्ट जॉन सैलरी लोगे मंथली जो भी है, इनटू 3 मंथ्स करोगे, इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस करोगे, एक नंबर निकल के आ जाएगा। चौथा नंबर क्या लेना है, अगेन लास्ट जॉन मंथली सैलरी लोगे, और जितने महीने सर्विस के बाकी थे जब आपको बोल दिया गया निकलो, तो जितने महीने बाकी थे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 नंबर, पहला एक्चुअल, दूसरा 5,00,000, तीसरा लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी इंटू 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, नीचे की तरफ ही आना है, एंड चौथा लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी इंटू जितने रिमेनिंग मंथ्स आपके बचे हुए हैं। चारों में से जो लोअर है वो एक्चुअल में से लेस कर दोगे, तो जो आएगा वो आपका टैक्सेबल वीआरएस है, जिसको उठा के क्रॉस सैलरी में डाल दोगे। ध्यान रखना, अगर सेक्शन 89 में रिलीफ ले रहे हो
तो वीआरएस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर वीआरएस का एग्जेम्पशन ले रहे हो तो सेक्शन 89 में रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये जो 1010C का बेनिफिट है ये जीवन में एक ही बार मिलता है, वीआरएस का बेनिफिट ये बेनिफिट बार बार नहीं मिलेगा। यहां भी सैलरी का मतलब जीडी है और कुछ भी नहीं है। तो हर जगह जहां तक अभी तक हमने पढ़ा, चाहे एचआरए हो या रिट्रेंचमेंट हो या वीआरएस, हर जगह आपको सैलरी का मतलब जीडी ही कंसिडर करना है। देन आ जाते हैं तीन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एलपीजी लीव सैलरी, पेंशन एंड ग्रेच्युटी, 1010AA, 1010A एंड 1010। इन सब सेक्शंस को पढ़ते वक्त मैं कहीं 115 बीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये 115 बीएससी में भी मिलेंगे। 115 बीएससी ऑफ करने से ये चले नहीं जाएंगे, तो लीव सैलरी भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन सब मिलेगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का एग्जेम्पशन भी मिलेगा, वीआरएस का एग्जेम्पशन भी मिलेगा, ये सब मिलेंगे क्योंकि हमने कहीं 115 बीएससी की बात सैलरी चैप्टर में इनके रिलेटेड नहीं की है। लीव सैलरी क्या होता है कि भाई मेरी इतनी सारी छुट्टियां इकट्ठा हो गई थी, लाओ पैसे दे दो। तो अगर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से पैसे मिलते होंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर लीव सैलरी काम करने के दौरान ही मिल गया तो चाहे आप कोई भी हो सीधे फुल्ली टैक्सेबल है, उठा के ग्रॉस सैलरी में डाल दो। बट अगर आपको रिटायरमेंट पे या टर्मिनेशन पे, रिटायरमेंट या टर्मिनेशन काम खत्म हो जाने पे, काम छोड़ देने पे, नौकरी से रिटायर हो जाने पे ये पैसे मिले तो चेक करना पड़ेगा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहां मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, तो आपके लिए वो फुली एग्जेम्प्ट है, एक रुपया भी हम टैक्स नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सीजीएसजी के एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में आपको चार चीजें निकालनी पड़ेगी और चारों में से जो लोएस्ट होगा वो आपका एग्जेम्पशन होगा। चार चीजें आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एक तो एक्चुअली हो गया एक्चुअली सैलरी, दूसरा 3 लाख की अमाउंट लेनी होगी। हालांकि अगर पहले भी कभी जीवन में आपने लीव सैलरी का बेनिफिट लिया है तो जितना लीव सैलरी का बेनिफिट ले लिया होगा, जितने का एग्जेम्पशन ले लिया होगा, वो 3 लाख में से आपको लेस कर देना है। तो पहला एक्चुअल, दूसरा 3 लाख माइनस एग्जेम्प्ट अर्लियर, तीसरा आपको पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है, 10 महीने की एवरेज सैलरी और उसे मल्टीप्लाई करना है विद 10 मंथ्स, एंड चौथा अगेन 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है और उसे मल्टीप्लाई करना है विद लीव्स ड्यू which is to be calculated in terms of months. तीसरा क्या करना है, average 10 month की salary, जिसमें जो 10 month की average salary है, ये again पिछले उन 10 महीनों की लेनी है, जिस महीने आप रिटायर हुए उस महीने को छोड़ के। तो अगर मैं 15 दिसंबर को रिटायर हुआ हूंगा तो दिसंबर महीना नहीं लेना है, दिसंबर महीने को छोड़ के पिछले 10 महीने लेने हैं, पिछले 10 महीने जिसमें से कुछ पिछले प्रीवियस ईयर में भी जा रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 10 महीने लेने हैं और उनकी सैलरी लेने के बाद 10 महीने का एवरेज लेना है, जिसमें सैलरी का मतलब अगेन जीडी है। तो पिछले 10 महीने की एवरेज जीडी वाली सैलरी निकालो और उसे 10 महीने से मल्टीप्लाई करो, तीसरा नंबर। चौथा नंबर, वही 10 महीने की एवरेज सैलरी जो आपने जीडी के हिसाब से इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट के 10 महीने निकाले, उसको मल्टीप्लाई करो विद लीव्स ड्यू। लीव्स ड्यू का क्या मतलब होता है, जितनी लीव्स अलाउ की गई माइनस जितनी लीव्स अवेल की, जितनी अलाउ की माइनस जितनी अवेल की, जिसमें जो लीव्स अलाउड होती है वो अगर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से 1 साल के 30 दिन से ज्यादा भी हुई तो भी आप 30 दिन लोगे, 30 दिन से ज्यादा भी हुई तो भी आप 30 दिन लोगे, और 30 दिन से कम हुई तो जितना दिया है उतना ही आपको लेना होगा। यानी मैक्सिमम 1 साल में आपको 30 दिन की लीव्स अलाउ की गई है एज पर इनकम टैक्स लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग दिस एग्जेम्पशन, उसमें से माइनस कर दो लीव्स अवेल, तो लीव्स अलाउड माइनस लीव्स अवेल करके जो लीव्स ड्यू आया होगा उसको डिवाइड बाई 30 करो, तो आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएगा। जो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स मिलेगा उसको 10 महीने की एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करो, आपको आपका चौथा नंबर मिल जाएगा, जिसमें सैलरी का मतलब यहां भी जीडी है, हर जगह वो आपको जीडी करना है और मंथ टू मंथ कैलकुलेट करना है, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन आपको वो चीज करनी होगी। तो यहां पर आप देखो लीव्स ड्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मुला दिया है, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स अवेल, जिसमें लीव्स अलाउड कंप्लीटेड ईयर्स का लेना है। कंप्लीटेड ईयर्स मतलब अगेन जितने कंप्लीट हुए होंगे, मतलब राउंड ऑफ नीचे की तरफ ही होगा, 20 साल 6 महीने हुए, 20 साल 8 महीने हुए, 20 साल ही लेना है, तो जितने कंप्लीटेड ईयर्स इनटू मैक्सिमम 30 डेज ही अलाउ किया जाता है, या 1 महीने का मतलब 30 डेज ही है इस सेक्शन के लिए, 1 महीने का मतलब 30 डेज ही है। तो आपने लीव्स अलाउड निकाले, उसमें से लीव्स अवेल किए, जो लीव्स ड्यू निकल के आए उसको डिवाइड बाई 30 किया, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स आ गया, एंड देन उसको 10 मंथ एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई किया, चारों नंबर में से जो व्हिचएवर इज लोअर आया उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये हमारा 1010A दैट इज लीव सैलरी, 1010AA लीव सैलरी कवर हो गया। देन लीव सैलरी के बाद हमारा नेक्स्ट डिस्कशन आता है विद रिगार्ड टू पेंशन। ये पेंशन वाला पॉइंट बड़ा बड़ा पर्टिकुलर थे। सबसे पहले समझना, एग्जाम में पेंशन किससे मिली है, पेंशन आपको अपने एम्प्लॉयर से मिली है या किसी भी और पर्सन से मिली है। अगर पेंशन आपको किसी और पर्सन से मिली है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर IFOS, फुल्ली टैक्सेबल अंडर IFOS, पेंशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। हालांकि एन्युटी प्लान ऑफ LIC होता है, एन्युटी प्लान ऑफ LIC तो एग्जेम्प्ट होता है, उसके अलावा कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, जीवन सुरक्षा में मिला है या कोई मंथली स्कीम में मिला है, कुछ भी लिखा हो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर IFOS। हालांकि एम्प्लॉयर से मिला है तो सैलरी चैप्टर में आपको 1010A में एग्जेम्पशन मिल सकता है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा पेंशन कैसे मिली, टुकड़े 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 में मिली या एक साथ मोटा मोटा अमाउंट दे दिया। अगर टुकड़े 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 में मिली तो पूरा टैक्सेबल ही है,
चाहे आप कोई भी हो पूरा टैक्सेबल ही रहेगा। हालांकि अगर एक बार में एक साथ लमसम दे दिया गया आपको, लमसम दे दिया गया तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सीजी का एम्प्लॉय, एसजी का एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय, इनमें से कोई भी होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इन चारों के अलावा और कोई भी है, तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी के अलावा, पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी भी मिल रहा है। अगर पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी मिल रहा है तो एग्जेम्पशन अलग है, और पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा तो एग्जेम्पशन अलग है। फिर से सबसे पहले आपको पेंशन देखना है, अदर देन एम्प्लॉयर मिल रहा है या फ्रॉम एम्प्लॉयर मिल रहा है। अगर अदर देन एम्प्लॉयर है तो मैंने कहा फुली टैक्सेबल है, एक्सेप्ट एनुइटी प्लान ऑफ LIC तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर फ्रॉम एम्प्लॉयर है तो देखो कि वो पेंशन टुकड़े टुकड़े में है या एक साथ है। टुकड़े टुकड़े में है, कोई भी है फुली टैक्सेबल, एक साथ है यानी लमसम है जिसको हम कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, तो चार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से किसी का है तो एग्जेम्प्ट। नहीं तो आपको यह देखना है क्या पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी भी मिल रहा है। अगर पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी भी मिल रहा है तो 1/3 एग्जेम्पशन होगा, लेकिन 1/3 एग्जेम्पशन पूरे पेंशन का होगा, टोटल का, दैट इज कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड। एंड वहीं अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा तो 50% एग्जेम्पशन मिलेगा, हाफ एग्जेम्पशन मिलेगा, अगेन किसका, फुल पेंशन का, यानी कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड का जो अमाउंट होगा उसका हम 50% करने वाले हैं। ये 10-10A में हमें पेंशन में ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा फिर आता है हमारा 10-10, दैट इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी यानी कि आप कंपनी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने समय से काम कर रहे हैं, तो दैट इज वाई हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और पैसे देके ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता है। ये जो पैसे दिए जाते हैं ये अगर काम करने के दौरान मिले तो पूरा टैक्सेबल है, सीधे उसको उठा के ग्रॉस सैलरी में डाल दो। बट अगर आपकी डेथ हो गई या रिटायर हुए तब ये पैसे मिले तो चेक करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब यहां सिर्फ तीन है, CG, SG या फिर LA, यही तीन है। अगर ये तीन है तो एग्जेम कर देंगे, पर इन तीन को छोड़ के अगर और कोई भी है तो चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या आप पोगा में कवर्ड है या नहीं, पोगा यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं। अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो तीन चीजों में से विचएवर इज लोअर, और अगर कवर्ड नहीं है तो दूसरी तीन चीजों में से विचएवर इज लोअर, जिसमें दो चीजें तो कॉमन ही है, जो एक्चुअल अमाउंट है 20 लाख 20 लाख। 20 लाख में भी अगर कुछ पहले एग्जेम किया हुआ है, कुछ बेनिफिट मिला हुआ है, जस्ट लाइक लीव सैलरी, जैसे 3 लाख माइनस एग्जेम अर्लियर था, वैसे यहां भी 20 लाख माइनस एग्जेम अर्लियर होगा। जो मेन कैलकुलेशन है वो तीसरे नंबर की है। तीसरे कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, अगर आप पोगा में कवर्ड हो तो आपको जितने भी इयर्स आपने कंप्लीट किए हैं मतलब अगर 24 साल 10 महीने हैं तो 25 साल लेना है, यानी राउंड ऑफ करना है, क्योंकि पोगा किसी लॉ में कवर्ड है, किसी लॉ में कवर्ड होता है ना तो राउंड ऑफ होता है। जैसे अगर आपको बताऊं दूसरी जगह राउंड ऑफ कहां कवर किया था, जब हमने कहा रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर्ड था, इसकी वजह से हमने उसको ऊपर की तरफ राउंड ऑफ किया था, बाकी हर जगह हमने नीचे की तरफ राउंड ऑफ किया है। वैसे यहां पोगा में कवर्ड है तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ किया है, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ किया अगर 6 महीने से ज्यादा है तो x 15/26 x पिछले महीने की जो भी सैलरी है। पिछले महीने की सैलरी में, यहां सैलरी का मतलब GD नहीं है, यहां सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी लो और डीएलएस अलाउंस पूरा लो, कमीशन तो लेना ही नहीं है, मतलब यहां जीडी नहीं है, बीएस प्लस डीए फुल लेना है आपको, बीएस भी पूरा लेना है, डीए भी पूरा लेना है लास्ट महीने का, x 15/26 x कंप्लीटेड इयर्स। वहीं अगर आप पोगा में कवर्ड नहीं हो तो एक तो एक्चुअल अमाउंट हो गई, दूसरी 20 लाख माइनस एग्जेम्प्ट अर्लियर हो गई, और तीसरा अमाउंट आपका हो जाएगा कंप्लीटेड इयर्स। बट ऊपर की तरफ नहीं जाओगे, नीचे ही आओगे, यानी 24 साल 10 महीने होंगे तो भी 24 साल ही लेने वाले हो, इनटू हाफ बेसिकली 15/30 x 1/2 इनटू पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी, जिसमें पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी में जिस महीने रिटायर हुए उस महीने को छोड़ के पिछले 10 महीने लेने हैं, और यहां सैलरी का मतलब जीडी है, मतलब बीएस प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन ओनली इफ इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तभी आपका वो जीडी बनेगा, और उसके अंदर पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी होगी, जिस महीने रिटायर हुए उस महीने को छोड़ के पिछले 10 महीने कंसीडर करोगे, इनटू हाफ इनटू कंप्लीटेड इयर्स, जिसमें नीचे की तरफ ही आपको आना है, ऊपर की तरफ आपको नहीं जाना है। इस तरीके से विच एवर इज लोअर करके एग्जेम्पशन का अमाउंट आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप पोगा में कवर्ड हो या फिर नहीं हो। ये हमारा 10-10 कवर हो गया, यानी एलपीजी जो हमें 10-10AA, 10-10A और 10-10 में कवर किया उसे हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है 10-5, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने 115BA ऑप्ट किया होगा, जबकि ऊपर हमने ऐसा कहीं नहीं बोला, मतलब 115BA का बेनिफिट हर जगह मिल रहा है, 115BA में भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। लीव ट्रैवल कंसेशन आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट अगर 115BA ऑप्ट किया। अगर नहीं किया तो जितना लीव ट्रैवल कंसेशन में आपको पैसा मिला है माइनस जो हम यहां एग्जेम बताएंगे, जो बच के आएगा वो अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना, अगर एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ, जिसमें एम्प्लॉय तो जाना ही चाहिए, एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ इंडिया में कहीं ट्रैवल कर रहा है तो जो ट्रैवल चार्ज है, ट्रैवल चार्ज मतलब एसी बस या फिर एयरक्राफ्ट का जो ट्रैवल एक्सपेंस है, जो टिकट का खर्चा है,
उसका हम आपको एग्जेम्पशन देते हैं, आपका और आपके परिवार वालों का, और किसी चीज का नहीं देते। मतलब होटल का खर्चा हो गया, टैक्सी का खर्चा हो गया, आपका बोर्डिंग का खर्चा हो गया, कूली का खर्चा हो गया, वो सब नहीं देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको इस सेक्शन में क्या देते हैं, ट्रैवल की जो टिकट का खर्चा है वो देंगे, चाहे वो रेलवे हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या फिर और किसी तरह की बस, जहां पे कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम एग्जिस्ट करता हो या नहीं, हम उसके आपको ट्रैवलिंग के खर्चे दे देंगे। जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो इंडिया में ही कहीं गया होना चाहिए, इंडिया में ही, जिस दौरान उसने छुट्टी ली है या सर्विस से रिटायर हो गया है या सर्विस से निकाल दिया गया है, तो हम उसको यहां एग्जिबिशन देते हैं फॉर ट्रैवल टू एनी प्लेस इन इंडिया, जिसमें वो खुद और उसके फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के अंदर कौन कवर किया जाता है, स्पाउस कवर किए जाते हैं, ब्रदर और सिस्टर कवर किए जाते हैं, पेरेंट्स कवर किए जाते हैं और चिल्ड्रन कवर किए जाते हैं। हालांकि स्पाउस कवर होंगे ही, इरिस्पेक्टिव वो आप पे डिपेंडेंट है या नहीं, चिल्ड्रन कवर होंगे ही, इरिस्पेक्टिव वो आप पे डिपेंडेंट है या नहीं, मैरिड है या नहीं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स सभी कवर होंगे जब वो आप पे डिपेंडेंट होंगे, जिसमें आपको तो जाना ही है, ऐसा नहीं परिवार वालों को भेज दिया, आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी जा रहे होंगे, तो सबकी ट्रैवल टिकट का हम आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देंगे और आपकी कम अमाउंट को टैक्सेबल करेंगे, जिसमें चिल्ड्रन यहां पर दो ही चलेंगे, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन। हालांकि ये मैक्सिमम टू चिल्ड्रन में भी एक सर्कुलर आया था 1998 में, जिसने ये क्लियर किया था कि भाई देखो, आपका पहले एक बच्चा हुआ और फिर दो बच्चे हुए और वो दो बच्चे ट्विंस निकले, तो उस केस में तीन बच्चों का भी एग्जेम्पशन चलेगा। हालांकि पहले ट्विंस हुए तो दो बच्चे हो गए और फिर एक बच्चा हुआ तो वो तीन बच्चे नहीं चलेंगे, पहले वाले जो दो बच्चे हैं उन्हीं का हम आपको एग्जेम्पशन देने वाले हैं। ये सर्कुलर सिर्फ लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए 1998 में आया था, जिसमें इस सेक्शन का बेनिफिट हर साल नहीं मिलता है, ब्लॉक ऑफ फोर इयर्स में दो बार ही अलाउ किया जाता है। जो लास्ट ब्लॉक था 2018-2021 का और अभी वाला ब्लॉक चल रहा है 2022 से लेके 2025 का, जो कैलेंडर ईयर का ब्लॉक है, तो कैलेंडर ईयर का भले ब्लॉक है लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक ब्लॉक में दो ही बार इसका एग्जिबिशन मिलता है। अगर किसी ब्लॉक में चार साल में आप एक आपका अनयूज रह गया, एक अनयूज रह गया या दो भी अनयूज रह गया, तो आप एक और नेक्स्ट ईयर में कैरी कर सकते हो, नेक्स्ट में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट में लेके जाओगे तो नेक्स्ट ब्लॉक में आपको दो तो मिलेंगे, उसके अलावा एक और मिलेगा। हालांकि नेक्स्ट ब्लॉक में लेके जाओगे तो जो कैरी वाला है वो नेक्स्ट ब्लॉक के पहले साल में ही आपको यूज करना होगा और बाकी तीन सालों में आपको बाकी दोनों यूज करने होंगे। एक्चुअल खर्चे का ही एग्जेम्पशन मिलता है, एक्चुअल खर्चा जो हुआ होगा, जो आपने जर्नी पे गए तो जो ट्रैवल टिकट मिली उसी का मिलेगा। जिसमें एक बात ध्यान में रखना, अगर बाय एयर गए तो जो एक्चुअल खर्चा है वो, या फिर जो इकोनॉमी क्लास का फेयर है वो, whichever is lower, जिसमें एयर इंडिया का फेयर लिया जाता है, एयर इंडिया का फेयर लिया जाता है बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो आप मुंबई से दिल्ली गए हो तो मुंबई से दिल्ली का जो डायरेक्ट फ्लाइट होगा उसका जो एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का खर्चा होगा उसको कंपेयर करेंगे विद योर एक्चुअल, और whichever is lower का हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। वहीं अगर आप बाय रेल गए हो तो उस केस में हम एसी का फर्स्ट क्लास का फेयर लेंगे, फर्स्ट क्लास का फेयर लेंगे बाय द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड whichever is lower। अगर समझो आप रेल से नहीं गए हो और बस से गए हो तो देखना पड़ेगा क्या वहां कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर रिकॉग्नाइज सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम प्रॉक्सी कवर करेंगे, डीलक्स बस का जो फेयर होगा उसको कवर करेंगे, फर्स्ट क्लास जो बेसिकली होता है उसी को कवर करेंगे, जो भी बस का फेयर होगा और एक्चुअल व्हिचएवर इज लोअर। और वहीं अगर कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम है ही नहीं तो हमें कोई डीलक्स फेयर का कोई प्रॉक्सी नहीं मिल रहा, तो उस केस में उसी रूट का जो एसी फर्स्ट क्लास का फेयर होगा बाई शॉर्टेज रूट उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करेंगे और व्हिचएवर इज लोअर करके आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है विद रिगार्ड टू 10 clause 5। ये हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं परक्विजिट्स पे, एंड परक्विजिट्स के बाद हम लास्ट में कवर करेंगे प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड जो हमें ट्रीटमेंट वगैरह कवर करनी है, जिसमें रिसेंटली पिछले एक दो सालों में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो पहले परक्विजिट्स की बात कर लेते हैं। परक्विजिट्स के अंदर आपको यह देखना पड़ता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो आपको मिले हैं उनका वैल्यूएशन करके वो आपके लिए टैक्सेबल होंगे या फिर नहीं। टैक्सेबल तब होंगे कुछ परक्विजिट्स जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं, कुछ परक्विजिट्स सब टैक्सेबल होंगे चाहे आप स्पेसिफाइड हो या फिर आप नॉन स्पेसिफाइड हो, एंड कुछ परक्विजिट तो एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्सेबल होते ही नहीं है, सीधे सीधे एग्जेम्प्ट होते हैं, उनको कंसीडर ही नहीं करना होता है। तो अगर आप देखो तो कौन से टैक्सेबल होते हैं ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज, तो फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी का कोई आपको फैसिलिटी मिला है, एजुकेशनल फैसिलिटी मिली है, गार्डनर स्वीपर या पर्सनल अटेंडेंट कुछ मिला है, या कुछ फ्री या कंसेशनल टिकट्स मिली है, या मोटर कार की जो परक्विजिट होती है, ये सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं। और बाकी जो बीच में आपको सेंटर में लिखे हुए दिख रहे हैं ये सबके लिए टैक्सेबल होते हैं, सबके लिए टैक्सेबल किए जाते हैं ये जो हमारे सेंटर में लिखे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से सबके लिए एग्जेम्प्ट है, कौन से सबके लिए एग्जेम्प्ट है वो हमारे लिए बड़े जरूरी रहने वाले हैं, जिसमें ध्यान रखना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे एम्प्लॉइज के लिए इसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। लीव ट्रैवल कंसेशन अभी हमने देखा सारे एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्ट किया जाता है। मेडिकल बेनिफिट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी सारे एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्ट किया जाता है। टेलीफोन फैसिलिटी दी जाती है,
कि आप टेलीफोन पे बात करो, जो भी बिल आएगा वो आपका एम्प्लॉयर देख लेगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता है। पूरे स्टाफ ग्रुप का इंश्योरेंस किया जाता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। किसी को भी कंप्यूटर या लैपटॉप मिलता है काम करने के लिए, चाहे बिजनेस करे या पर्सनल करे, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता है, एक रुपया भी टैक्स नहीं किया जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या कैंपस के अंदर अंदर, उसे भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए खर्चा करते हैं कि आपको ऑफसाइट भेजा और कहा है कि ये कोर्स सीख के आओ, उसके लिए जो भी खर्चा लगा वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंटर्स हो गए, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आए तो ध्यान में रखना, कोई भी एम्प्लॉय हो सीधे सीधे एग्जेम्प्ट कर देना है। जो स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड वाली बात है ना, ये एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती और इतनी प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वही घटिया है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो तो स्पेसिफाइड हो, या अगर आपका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो स्पेसिफाइड हो, या फिर आपकी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है तो स्पेसिफाइड हो। अब भाई 50,000 पर एनम से ज्यादा ही होती है सबकी सैलरी, क्योंकि देश का जो मीन वेज है वही उससे बहुत ज्यादा है, तो दैट इज वाई ये कॉमन सेंस वाली बात है, सब स्पेसिफाइड ही होते हैं। तो इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप स्पेसिफाइड हो या नहीं, सब स्पेसिफाइड तो है, तो जो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है वो वैसे भी होगा और जो दोनों के लिए वो भी वैसे ही होगा। यानी इस पे ज्यादा एफर्ट मत मारो कि स्पेसिफाइड है या नहीं, खाली इतना समझने की कोशिश करो कौन से परक्विजिट में कितना टैक्सेबल होता है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, जिसमें हमें इस परक्विजिट को रीड करते वक्त कई बार मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड वर्ड दिखाई देगा, तो हम उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड वर्ड का मतलब हो गया कि स्पाउस कवर किए जाएंगे, फादर और मदर कवर किए जाएंगे, चिल्ड्रन कवर किए जाएंगे एंड चिल्ड्रन के स्पाउसेस भी कवर किए जाएंगे, मतलब सन है तो उसकी वाइफ और अगर डॉटर है तो उसका हस्बैंड, या फिर साथ साथ में कोई भी आपके सर्वेंट्स है जो भी उसी घर में रहते हैं, या आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट है, किसी भी तरह का डिपेंडेंट है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। ये हमारे मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स की डेफिनेशन हो जाती है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड के अंदर हमने किनको कवर किया हुआ है। अब सबसे पहली फैसिलिटी जो हम कवर कर रहे हैं इज डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी। डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने नौकर चाकर दिए हैं, स्वीपर दिया है, गार्डनर दिया है, वॉचमैन दिया है, पर्सनल अटेंडेंट दिया है, ऐसा कुछ भी दिया है आपको या आपके मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड को, तो उस सिचुएशन में उस स्वीपर गार्डनर या उस पर्सन को जितना भी पे किया होगा एम्प्लॉयर ने, जितना भी पे किया होगा एम्प्लॉयर ने, वो आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर ने जितना भी पे किया होगा किसी भी नौकर चाकर को और नौकर चाकर आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसको जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया होगा वो आपकी ग्रॉस सैलरी में शामिल हो जाएगा। हालांकि अगर आपसे एम्प्लॉयर ने कुछ रीइंबर्स कर लिया होगा, कुछ भी रीइंबर्स कर लिया होगा, तो जितना रीइंबर्स कर लिया वो उस एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा और फिर जो बैलेंस बचेगा वही आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो मेरे एम्प्लॉयर ने किसी नौकर को मेरे यहां पे लगाया है और वो पर्सन को मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है समझो 20,000 रुपया महीना, और मुझसे मेरा एम्प्लॉयर वापस 5,000 वसूल लेता है, तो 15,000 पर महीना के हिसाब से इंटू 12 करके जो अमाउंट आएगी वो ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी। छोटी सी बात ध्यान में रखना, अगर उस नौकर को रखा एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर ने रखा है, मैंने नहीं रखा है, तो उस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही टैक्सेबल होता है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्सेबल नहीं होता है। हालांकि नौकर मैंने ही रखा है, पेमेंट वगैरह वो कर देता है उसको, तो उस सिचुएशन में मैं स्पेसिफाइड हूं या नॉन स्पेसिफाइड हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टैक्सेबल किया ही जाता है। ये एक बात हो गई, पहली हमारी परक्विजिट हो गई। दूसरी परक्विजिट है आपको गैस इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। गैस इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की मतलब इन तीनों बिलों को आपका एम्प्लॉयर ही पे कर देता है, सीधे एम्प्लॉयर पे कर देता है, आपको भरनी नहीं पड़ती। तो ये बिल की अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने पे किए वो आपके ग्रॉस सैलरी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अगर आपसे कुछ रिकवर कर लिया, कुछ रीइंबर्स कर लिया, तो जितना कर लिया उतना लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो ग्रॉस सैलरी में डाला जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है आप बिस्लरी कंपनी में ही काम करते हो या आप डीजीवीसीएल में ही काम करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ही काम करते हो, और वो आपका पेमेंट देख रहे हैं, जिसमें वो पेमेंट देख के आ रहे हैं, आपका बिल ही नहीं बना रहे, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हो अगर उसी से इस तरह की परक्विजिट्स या फैसिलिटीज ले रहे हो तो कोई बिल बनाएगा ही नहीं ना। एम्प्लॉयर बोलेगा बिल क्या बनाना, मैं बिल बना के खुद ही को पे करूंगा, क्या उसने बिल बनाया ही नहीं, तो उस सिचुएशन में मेरे लिए वो परक्विजिट तो है पर वो किस वैल्यूएशन पे इंक्लूड किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो भी मुझे इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस जितना रिकवर कर लिया उस बैलेंस को ग्रॉस सैलरी में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बिस्लरी कंपनी में काम करता हूं और बिस्लरी कंपनी में मुझे 20 वाटर बॉटल्स फ्री में दी है, 20 वाटर बॉटल्स फ्री में दी है, तो 20 वाटर बॉटल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मेरे लिए परक्विजिट की वैल्यूएशन मानी जाएगी और मेरी ग्रॉस सैलरी में डाल दी जाएगी। तो अगर समझो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए है तो 20 × 10 करके 200 रुपए मेरे में शामिल होंगे। हालांकि मुझसे अगर 50 रुपए वसूल लिए तो 200 − 10 करके 200 − 50 करके 150 रुपए मेरी ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कनेक्शन है या जो वाटर सप्लाई वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो एम्प्लॉयर के नाम पे ही ली हुई है तो उस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल करोगे। बट अगर नाम पे तो एम्प्लॉय की ली गई है और रीइंबर्स एम्प्लॉयर करता है तो आप कैसे भी एम्प्लॉय हो आपके लिए वो टैक्सेबल किया जाएगा। तीसरा आ जाता है कोई फ्री या कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज या ट्रेनिंग। याद रखना एम्प्लॉय की कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड,
ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, एक रुपया भी ग्रॉस सैलरी में इंडिया डालना है सीधे उड़ा देना है उसको। अगर आपके चिल्ड्रेन की या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड की एजुकेशन की फीस वगैरह पे कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो जितनी फीस आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है उतना आपकी ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा, और अगर आपसे कुछ रीइंबर्स या रिकवर कर लिया तो उतना लेस कर दिया जाएगा। अब ये जो एजुकेशनल फैसिलिटीज होती है, इसमें रेगुलरली हम ऐसा सुनते हैं कि कई एम्प्लॉयर्स ने खुद की स्कूल बना रखी है, बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स ने, या फिर खुद की स्कूल नहीं भी बनाई तो भी उनके इतने सारे बच्चे हैं जिनका वो पेमेंट करते हैं, तो वो सीधे सीधे किसी स्कूल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूं, तो रिलायंस ने सीधे किसी स्कूल को कॉन्ट्रैक्ट किया है और स्कूल को कह दिया कि भाई मैं तेरे को सीधे सीधे 15 लाख रुपए देता हूं, जितने भी बच्चे आएंगे मेरे एम्प्लॉयज का उनका फीस पेड मानना। इस तरीके से सीधे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पेमेंट कर दी जाती है। या फिर खुद रिलायंस ने स्कूल खोल ली अपनी, कि अंबानी की ये स्कूल है, इसके अंदर रिलायंस के एम्प्लॉयज के सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो कोई फीस वगैरह दी नहीं जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉक्सी वैल्यूएशन करना होगा। प्रॉक्सी वैल्यूएशन मतलब कि जहां पर भी वो स्कूल सिचुएटेड है, जो कॉन्ट्रैक्टेड स्कूल है या एम्प्लॉयर की ओन स्कूल है, उसी नियर बाय लोकैलिटी में उसी तरह की एजुकेशन देने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो आपकी ग्रॉस सैलरी में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि अगर आपसे कुछ रीइंबर्स कर दिया गया तो उसे लेस पेड बाय एम्प्लॉय कर दिया जाएगा। अगर आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा होगा, बच्चों को, चिल्ड्रेन को पढ़ाया जा रहा होगा, और उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्टेड स्कूल या ओन स्कूल के अंदर फैसिलिटी दी गई है, तो अगर 1000 रुपए तक की ही बेनिफिट है पर मंथ पर चाइल्ड, 1000 रुपए तक का ही बेनिफिट है, तो कुछ भी चार्जेबल नहीं किया जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हालांकि ये बात आपके चिल्ड्रेन के लिए है, अदर मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड कोई है और उनके लिए ऐसी कोई फैसिलिटी दी गई होगी तो 1000 रुपए वाली बात नहीं देखोगे, सीधे सीधे लेस पेड बाय एम्प्लॉय करके जो अमाउंट आएगा उसको टैक्सेबल करके ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो चिल्ड्रेन और अदर मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड में ये छोटा सा 1000 रुपए वाली बात का फर्क है, जिसमें चिल्ड्रेन में यहां 2 चिल्ड्रेन वाली लिमिट नहीं है। यहां पर कितने भी चिल्ड्रेन होंगे हम उसके लिए टैक्सेबल परक्विजिट वैसे ही निकालेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ये छोटी सी बात हमको ध्यान में रखनी है विद रिगार्ड टू फ्री एंड कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज। ऐसे ही फिर एक परक्विजिट है फ्री एंड कंसेशनल टिकट्स। फ्री एंड कंसेशनल टिकट्स, जैसे कि मैं अगर किसी बस कंपनी में काम करता हूं और उस बस कंपनी ने ही मुझे उस बस की टिकट्स प्रोवाइड कर दिए फ्री में मेरे या मेरे परिवार वालों के लिए, तो उस बस टिकट्स की जो वैल्यू है वो मेरी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि रेलवेज या एयरलाइंस में ऐसा नहीं होता है, रेलवेज और एयरलाइंस में उसे परक्विजिट नहीं माना जाएगा और कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो मैं इंडिगो में काम करता हूं और इंडिगो ने मुझे फ्लाइट टिकट्स फ्री में प्रोवाइड किए मेरे या मेरे परिवार वालों को, जो मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड में हमने डिफाइन की, तो उस केस में मेरे लिए कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मैं इंडियन रेलवेज में काम करता हूं तो भी ऐसा ही होगा, मेरे लिए कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। बट किसी बस कंपनी वगैरह में या किसी भी और तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूंगा तो जितने की टिकट्स प्रोवाइड की होगी माइनस कुछ पे करके रीइंबर्स करा लिया तो वो लेस करने के बाद ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, और इसमें तो बड़ा अमेंडमेंट भी हुआ है प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर कोविड-19 के रिलेटेड। पहले तो इसके अंदर पॉइंट क्या है वो कवर कर लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिली है, याद रखना मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलावेंस में फर्क होता है। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है, पैसे मिले हैं, मेडिकल फैसिलिटी आपको सुविधा दी गई है। तो मेडिकल फैसिलिटी मिली है एम्प्लॉय को या फैमिली मेंबर को, एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर को, तो पहले ये देखो इन इंडिया मिली है या आउटसाइड इंडिया मिली है। अगर इन इंडिया मिली है तो चेक करो कि ये ट्रीटमेंट कहां दी गई है। अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में दी, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में दी, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी, या फिर जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दी गई, या फिर रूल 3A की खतरनाक बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी तरह की फैसिलिटी दी गई, अगर इन 4 में से कुछ है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, एक रुपया भी टैक्स नहीं किया जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय को और उसके फैमिली मेंबर को मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई है फ्री में या किसी कंसेशन में, तो उस सिचुएशन में हम उसे पूरा एग्जेम्प्ट करेंगे। अगर उसे एम्प्लॉयर के ही हॉस्पिटल में दी गई है, या फिर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दी गई है, या फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में किसी भी एम्प्लॉय को दी गई है, या फिर रूल 3A की डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दी गई है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर ऐसा नहीं है, आपको किसी प्राइवेट क्लिनिक में या किसी नर्सिंग होम में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी गई है, तो जितनी वैल्यू की ट्रीटमेंट दी गई है माइनस पेड बाय एम्प्लॉय उठा के ग्रॉस सैलरी के अंदर डाल दिया जाएगा, उसे इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये बात तब हो गई जब फैसिलिटी इन इंडिया हो। अगर फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है तो आपको उसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। एक पार्ट आपको देखना है ट्रीटमेंट का खर्चा और बाहर रहने का खर्चा, एक पार्ट आपको देखना है ट्रीटमेंट का खर्चा और बाहर रहने का खर्चा, और एक दूसरा पार्ट आपको देखना है ट्रैवल का खर्चा। जो ट्रीटमेंट का खर्चा और बाहर रहने का खर्चा है वो कितना एग्जेम्प्ट होगा वो आरबीआई बताएगा। तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, जितना एग्जेम्प्ट दिया होगा उतना लेस करके बैलेंस टैक्सेबल कर देना। और जो आने जाने का ट्रैवल का खर्चा होगा, ट्रैवल का खर्चा होगा, वो ट्रैवल का खर्चा पूरा एग्जेम्प्ट होगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम उस एम्प्लॉय की 2 लाख रुपए तक होगी। तो अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा होगी तो जो ट्रैवल का खर्चा होगा वो फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा।
अब जब हम कहते हैं बाहर ट्रीटमेंट कर रहे हो, बाहर रह रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अलावा एक अटेंडेंट भी अलाउ किया जाता है, एक ही अटेंडेंट। ये नहीं 10 परिवार वाले जा रहे हैं, एक अटेंडेंट करेंगे। अगर बाकी लोग जा भी रहे होंगे तो फुली टैक्सेबल कर देंगे हम एग्जेम्पशन देंगे, तो एक अटेंडेंट के लिए देंगे जो कोई भी हो सकता है। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अब्रॉड प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेइंग अब्रॉड इंक्लूडिंग वन अटेंडेंट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट गिवन बाय आरबीआई, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एंड फ्रो इंक्लूडिंग वन अटेंडेंट विल बी एग्जेम्प्ट फुली इफ द जीटीआई ऑफ द एम्प्लॉय इज अप टू 2 लाख, If it is more than 2 lakh, then it will be made fully taxable. जिसमें फैमिली मेंबर को ये सब फैसिलिटीज है ना, तो ही हम ये सब बातें कर रहे हैं। अगर फैमिली मेंबर ही नहीं है तो फिर उस केस में हम उसको टैक्सेबल ही करने वाले हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिली मेंबर, मतलब वही जो लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर हमने कवर किया था। स्पाउस कवर होंगे, दो चिल्ड्रेन कवर होंगे, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स तभी कवर होंगे जब वो हम पे डिपेंडेंट होंगे। तो यहां पर आपको फैमिली मेंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी में और एम्प्लॉय के लिए वो फुली एग्जेम्प्ट है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पे करता है तो एम्प्लॉयर ने अदर देन कैश पे किया तो एम्प्लॉयर को पीजीबीपी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 36 और एम्प्लॉय के लिए वो फुली एग्जेम्प्ट किया जाता है, एक रुपया भी टैक्सेबल नहीं किया जाता। अगर मेरा कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, मैं खुद ही भर रहा हूं, तो मुझे 80D में डिडक्शन मिलता है, जिसके अंदर मुझे 80D में 25,000 या 50,000 तक की जो लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए डिडक्शन लेना होता है। इंपॉर्टेंट बात हो गई विद रिगार्ड टू मेडिकल फैसिलिटी। अब यहां मेडिकल फैसिलिटी वाली बात में एक नया पॉइंट ऐड किया गया और यह नया पॉइंट आपके लिए फ्रेश है एंड देयर बाय ये आपके लिए जरूरी भी हो जाता है। नया पॉइंट क्या ऐड किया गया है प्रोविजन 17(2) के अंदर कि जो मेडिकल फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट की गई है फ्रॉम टैक्स, उसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया है असेसमेंट ईयर 2021 से कोविड रिलेटेड, जो फाइनेंस एक्ट 2022 ने डाला है। और क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपकी या आपके परिवार वालों की किसी भी तरह की ट्रीटमेंट जो कोविड-19 के रिलेटेड है कि कोई फैसिलिटी दी होगी, वो फुली एग्जेम्प्ट है। यानी कि एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को कोविड-19 के इलनेस के रिलेटेड ट्रीटमेंट दी गई और एम्प्लॉयर ने उसका खर्चा बेयर किया, वो एक एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्ट है, एक रुपया भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना यह कोविड-19 की ट्रीटमेंट कहीं भी दी गई हो, मतलब जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में दी हो, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी हो, कहीं भी दी गई हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दी गई होगी तो भी हम उसे एग्जेम्प्ट करने वाले हैं, पूरा एग्जेम्प्ट रखेंगे। तो देखो क्या डाला गया, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर मतलब दो चिल्ड्रेन, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स, सभी जब वो डिपेंडेंट है, इनकी बात की गई है। एड क्या किया गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19। हालांकि इसमें आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी जो नोटिफाई की गई है, तीन कंडीशंस हैं जो तीनों आपको पूरी करनी पड़ेगी। तीन कंडीशंस क्या है, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं भी हुई तो भी जिस वजह से ये क्लिनिकली डिटरमाइन किया गया, जैसे सीपीआर रिपोर्ट वगैरह से भी पता चलता है, वो रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके थ्रू ये साबित हुआ कि आप कोविड-19 पॉजिटिव थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीजें जो आपकी डायग्नोसिस के वक्त या ट्रीटमेंट के वक्त की गई, विद इन 6 मंथ्स जिस दिन आपको कोविड पॉजिटिव डिटरमाइन किया गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास मेंटेन करने हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड तीसरा, एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा विद रिगार्ड टू जो भी ट्रीटमेंट वगैरह किया है इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 में, ताकि सबूत हो जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉयर ने जो भी ट्रीटमेंट दिया वो कोविड-19 का ऑथेंटिक ट्रीटमेंट था। एंड दैट इज वाई वो कहीं भी दिया हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, कहीं भी, फैमिली मेंबर और मुझे, वो फुली एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो कोविड-19 इलनेस रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या क्लिनिकली जिस बेसिस पर डिटरमाइन किया वो होना चाहिए, एंड सारी की सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जो कोविड पॉजिटिव हो जाने से 6 महीने के अंदर अंदर के जितनी भी चीजें होंगी विद रिगार्ड टू द एक्सपेंडिचर्स दैट हैव बीन इनकर्ड। एंड तीसरा, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड विद रिगार्ड टू कोविड-19, तभी हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी बात, यहां पे एक तरीके से आप फिफ्थ पॉइंट बोल सकते हो, फिफ्थ पॉइंट ऐड कर दिया गया, जो पहले थे वो तो है ही, उसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया कि कब उसे फुली एग्जेम्प्ट किया जाएगा, जब कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंस होगा। मेडिकल फैसिलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परक्विजिट आता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। पहली बात, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल दिखे, उसका यूज फुली एग्जेम्प्ट है, एक रुपया भी टैक्स नहीं किया जाएगा। सारे एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं हम, एक रुपया भी टैक्स नहीं होगा, फुली एग्जेम्प्ट है। अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को छोड़कर और कुछ भी है, तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट पड़ी है एम्प्लॉयर को उसकी उसका 10% डे वाइज के हिसाब से निकालोगे, 10% इज पर एनम। बट अगर एम्प्लॉयर को खरीदा नहीं था, एम्प्लॉयर ने खुद भाड़े पे लेके दिया था, तो भाड़े पे लेके दिया तो जो उसका एक्चुअल हायर चार्जेस है वो कंसीडर करोगे एज द केस में भी। अगर आपने कुछ पे करा लिया, रीइंबर्स करा लिया,
तो उतना आपको लेस कर देना है। ये डे वाइज कैलकुलेट किया जाता है या कंप्लीटेड इयर्स ऑफ यूज वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, हम यूज की बात कर रहे हैं, इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल नहीं आएगा, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी लेस पेड बाय एम्प्लॉय करके जो अमाउंट होगी वो ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी। ये यूज की बात आ गई। फिर आती है सेल या ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट की बात, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको मूवेबल एसेट बेचा है। यहां हम कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल को एक्सेप्शन में नहीं रख रहे, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल होगा तो भी कवर किया जाएगा, हम उसको टैक्सेबल कर सकते हैं अगर सेल जिस रेट पे किया वो कंसेशनल रेट है या सस्ती रेट पे आपको सेल किया गया है। तो करना क्या होगा आपको, एम्प्लॉयर को जितने में भी पड़ा था, अब यहां हायर चार्जेस तो नहीं होंगे ना, एक्चुअल में एम्प्लॉयर का होगा तभी तो बेच सकता है तुमको, तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगा एम्प्लॉयर का पहले बोलो, उसमें से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो वेयर एंड टेयर के लिए, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू को कंपेयर करो कि इसके सामने कितने में बेचा। तो वैल्यू आई 1,00,000 डेप्रिसिएशन देने के बाद और आपको 25,000 में दे दिया, तो 75,000 का परक्विजिट हो गया ना, 75,000 आपको अपनी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर लेना है, जिसमें डेप्रिसिएशन देने के लिए यहां पर जो लिखा है आपको वही फॉलो करना है। यहां क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड इयर्स ऑफ यूज का दिया जाता है। कंप्लीटेड इयर्स ऑफ यूज किसका, एम्प्लॉयर का, जो भी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ यूज होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। पुट टू यूज का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, मतलब जितना वक्त एम्प्लॉयर ने उसको खरीद के अपने पास रखा होगा उतने कंप्लीटेड इयर्स आपको कंसीडर करने रहेंगे। तो समझो अगर मैं कहता हूं एम्प्लॉयर ने 2017 जून में लिया होगा 15 जून को, तो 15 जून 2017 से आपको एक एक साल गिनना है, तो 15 जून 2017 को लिया होगा तो 14 जून 2018 को एक साल कंप्लीट होगा, 14 जून 2019 को दो साल कंप्लीट होगा, इस तरीके से आपको साल गिनते रहने हैं। तो जब भी ट्रांसफर किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उस दिन तक जितने कंप्लीटेड साल होंगे ना, मतलब नीचे ही राउंड ऑफ करना है, अगर 3 साल 11 महीने आया तो भी 3 साल लेना है, 3 साल 3 महीने आया तो भी 3 साल लेना है, उतने सालों का डिप्रिसिएशन आपको देना होगा, जिसमें डिप्रिसिएशन की रेट क्या रहेगी, अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो 50% WDV बेसिस पे देना रहेगा, मोटर कार है, कार 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 बाइक नहीं, मोटर कार है तो 20% WDV बेसिस पे देना होगा, और इसके अलावा जो भी बच गया जिसमें आते हैं मोटर व्हीकल्स लाइक बाइक्स टू व्हीलर्स या फिर हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज लाइक वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उस केस में 10% SLM बेसिस पे देना होगा, यानी 50% WDV और 20% WDV तो बड़ा स्पेसिफिक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ही 50% WDV है और मोटर कार पे ही 20% WDV है और बाकी सब चीजों पे 10% SLM के बेसिस पे आप डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे, एंड फिर जो वैल्यू आएगी उसके सामने उसे लेस करने के बाद बताएंगे कि कितना टैक्सेबल उसे किया जाएगा। अब बात आती है गिफ्ट की, गिफ्ट कैश में दिया गया बाई द एम्प्लॉयर, गिफ्ट कैश में दिया गया फुल्ली टैक्सेबल है, सीधे उठा के ग्रॉस सैलरी में डाल दो। काइंड में दिया गया तो 5,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है, 5,000 रुपीज तक का एग्जेम्पशन मिलता है, जिसमें एक सर्कुलर है, सर्कुलर क्या कहता है कि 5,000 के ऊपर गया तो 5,000 लेस कर दो, जो बैलेंस आया वो टैक्सेबल होगा। अगर आप सर्कुलर के बारे में एग्जाम में नहीं लिखते तो फिर उस केस में आपको पूरा टैक्सेबल करना है, मतलब अगर 6,000 का गिफ्ट मिला, गिफ्ट यानी कि काइंड में मिला 6,000 का वाउचर या कुछ मिला, तो पूरा 6,000 टैक्सेबल करो। अगर आप सिर्फ 1,000 करने वाले हो तो 5,000 का एग्जेम्पशन मिलता है एज पर अ सर्कुलर, खाली इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, बहुत अल्टरनेटिव आंसर्स आर कवर्ड, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर किसी भी तरह का बेनिफिट देता है विद रिगार्ड टू खाना पीना, खाने पीने का बेनिफिट देता है, तो जो भी खाने पीने का बेनिफिट दिया होगा वो एम्प्लॉयर को जितने में पड़ा वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी और आपकी ग्रॉस सैलरी में डाल देंगे, जितना रिकवर कर लिया होगा वो हम लेस कर देंगे, जिसमें नाश्ता पानी कराना एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नाश्ता पानी कराया भूल जाओ, एग्जेम्प्ट ही होता है। एम्प्लॉयर ने खाना खिलाया तो टैक्सेबल किया जाता है, हालांकि 50 रुपए प्रति मील, 50 रुपए पर लंच या पर डिनर एग्जेम्प्ट किया जाता है। अगर 115 BAC ऑप्ट कर लोगे तो ये 50 रुपए का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, 50 रुपीज पर मील इज नॉट अवेलेबल अगर 115 BAC ऑप्ट करोगे, नहीं तो अदरवाइज तो आपको 50 रुपीज पर मील का बेनिफिट मिल जाएगा। ये छोटी सी बात हमें फ्री कंसेशनल फूड वगैरह में ध्यान में रखनी है। देन हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट परक्विजिट आ जाता है, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन, मतलब कि एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया और ये लोन पे ब्याज कम ले रहे हैं या ब्याज नहीं ले रहे, तो इंटरेस्ट फ्री है या फिर कंसेशनल लोन है, या तो आपको दिया या मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड को ये लोन प्रोवाइड किया गया, तो उसके लिए आपके परक्विजिट में कुछ इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें करना क्या है आपको उस पूरे साल का हर महीने के एंड पे मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना है, पूरे साल हर महीने के एंड पे मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना है और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, समझो अगर आपको 4% पे लोन दिया गया है, 4% पे लोन दिया गया है, तो आपको उसे कंपेयर करना होगा विद SBI रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। SBI का रेट जो भी होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो समझो वो 10% है, तो 10% माइनस 4% करके 6% डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो आपको मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगाना होगा। अगर फ्री में मिला होगा तो पूरा 10% लगा दोगे, क्योंकि डिफरेंशियल 10% माइनस 0 पूरा 10% हो जाएगा। ध्यान रखना SBI रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर है। लॉ में कई जगहों पे कुछ चीजें लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर होती है, कुछ जगह फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर होती है, जैसे 35D एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पड़ते वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है
वो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंसेस निकालना होता है। वैसे यहां एसबीआई की रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर लेके प्रॉक्सी लेके उसको कंपेयर करना है विद द रेट गिवन बाय द एम्प्लॉयर। तो इस तरीके से हर महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकला होगा इंटू डिफरेंशियल इंटरेस्ट इंटू डिफरेंशियल इंटरेस्ट इंटू 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12. अगर पूरे साल कोई रिपेमेंट हुआ ही नहीं, तो सीधे जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंटू डिफरेंशियल रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हर महीने की 5 तारीख को कुछ रीइंबर्स हो रहा है तो हर महीने की आखिरी तारीख को कितना आउटस्टैंडिंग है वो 12 बार लिख लो, इंटू डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, इंटू 1/12, 1/12, 1/12 कर दो। इस तरीके से जो टोटल अमाउंट आएगी वो परक्विजिट वैल्यू होगा। अब इसमें से अगर कुछ रीइंबर्स कर लिया तो जितना रीइंबर्स कर लिया वो आपको लेस करने मिल जाएगा और जो बैलेंस बचेगी वही ग्रॉस सैलरी में टैक्सेबल किया जाएगा। समझना, जो यहां परक्विजिट वैल्यू निकालते हो वो नोशनल वैल्यू होती है और नोशनल वैल्यू आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट लेस किया जाता है वो अलाउ नहीं किया जाता, जो आपने एक्चुअली में पे किया होगा वो अलाउ किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा कहता हूं कि 50,000 का परक्विजिट वैल्यूएशन आया, 50,000 का, जिसमें से 20,000 मैंने सच में पे किए तो 30,000 टैक्सेबल किया जाएगा। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया वो 50,000 आया, जिसमें से 20,000 मैंने सच में पे किया तो 30,000 टैक्सेबल होगा। अब अगर मैंने ये लोन घर के लिए लिया था, हाउसिंग लोन ही था मेरा, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस या रिपेयर या वगैरह ही लिया था, तो मैं 24 क्लॉज बी के अंदर ये इंटरेस्ट क्लेम करने जाऊंगा। तो 24 क्लॉज बी में मैं 50,000 नहीं ले सकता, 20,000 ले सकता हूं जो एक्चुअली मैंने पे किया था, क्योंकि वो लोन तो आप किसी से भी ले सकते हो ना, अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हो, दोस्त से भी ले सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो। लेकिन जो नोशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आया है 30,000, जो आपके लिए ग्रॉस सैलरी में टैक्सेबल किया गया है परक्विजिट का वैल्यूएशन, वो नहीं ले सकते हो आप, नोशनल अमाउंट अलाउ नहीं किया जाता है। एक छोटी सी बात यहां और ध्यान में रखनी है, अगर 20,000 रुपए तक का टुच्चा लोन लिया होगा, छोटा सा लोन लिया होगा, तो दिमाग मत लगाना कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। या फिर लोन बड़ा लिया है पर वो लोन लिया किस लिए है, रूल 3A की डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लिया है। जैसे रूल 3A की डिजीज की ट्रीटमेंट अगर सीधे एम्प्लॉयर देता है तो वो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है, वैसे ही रूल 3A की डिजीज के लिए एम्प्लॉयर आपको लोन देता है तो वो कंसेशनल रेट पे भी देता है, तो भी 1 रुपए का परक्विजिट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंट फ्री कंसेशनल एकोमोडेशन। आपको रहने के लिए घर दिया है जिसमें कोई फर्नीचर नहीं है, समझो कोई फर्नीचर नहीं है, रहने के लिए घर दिया है, अनफर्निश्ड घर दिया है, फ्री में दिया है या बेसिक रेंट पे दिया है, तो उस केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यानी सीजीएसजी के एम्प्लॉय हो तो क्वेश्चन में लाइसेंस फी दिया होगा माइनस पेड बाय एम्प्लॉय कर देना और उसको ग्रॉस सैलरी में डाल देना। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, सीजीएसजी के एम्प्लॉय नहीं हो, तो चेक करो कि ये घर एम्प्लॉयर का खुद का था या एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके दिया है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का था तो 2001 के सेंसस के हिसाब से जिस शहर में ये घर है उस शहर का पॉपुलेशन देखना होगा। अगर पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के हिसाब से 10 लाख तक था तो आपकी परक्विजिट वैल्यू बनेगी 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से ज्यादा था पर 25 लाख तक था तो परक्विजिट वैल्यूएशन आपकी बनेगी 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख से भी ज्यादा था तो परक्विजिट वैल्यूएशन आपकी बनेगी 15% ऑफ सैलरी, जिसमें जो अमाउंट आएगी उसमें से लेस करना होगा पेड बाय एम्प्लॉय, यानी जितना भी आपसे रीइंबर्स करा लिया उतना तो आपको वापस लेस करना ही होगा। जिसमें अब ये 7.5% 10% और 15% पर एनम नहीं है, सीधे 7.5% 10% और 15% सैलरी पे लगाना है। सर यहां सैलरी मतलब एक डेफिनेशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो ना ही जीडी है ना ही कोई रेगुलर डेफिनेशन है, हमें ढंग से देखना पड़ेगा कि यहां वो सैलरी का मतलब क्या है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी खाली उतनी ही टाइम पीरियड की लोगे जितनी टाइम पीरियड में आपने अकोमोडेशन को यूज किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा। अगर अकोमोडेशन ऑक्यूपाई नहीं किया है, आपने फैसिलिटी यूज ही नहीं की है, तो उस टाइम पीरियड का सैलरी नहीं लोगे। जैसे मुझे ऑफर किया गया था 1 मई को, लेकिन मैंने उसे ऑक्यूपाई किया 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से जितना सैलरी है वही कंसिडर किया जाएगा, जिसमें सैलरी मुझे जितने एम्प्लॉयर से मिली है सारी एम्प्लॉयर्स की लेनी है, भले मुझे घर देने वाला कोई एक ही एम्प्लॉयर है लेकिन सैलरी सारे एम्प्लॉयर्स की कंसीडर करेंगे 7.5 या 10 या 15 करते वक्त। यही अगर मैं कह दूं कि ये जो घर है वो मेरे एम्प्लॉयर का ओन्ड नहीं था, एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लेके दिया है, तो अगर एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके दिया है तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, पॉपुलेशन वगैरह नहीं देखनी भूल जाओ, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, विच एवर इज लोअर आपकी वैल्यू बनेगी, जिसमें से लेस पेड बाय एम्प्लॉय करना होगा, जितना भी रीइंबर्स कर लिया होगा वो लेस होगा। अगेन 15% ऑफ सैलरी में सैलरी का यहां मतलब क्या है ध्यान देना, सैलरी मतलब सारे मॉनेटरी पेमेंट्स जो कितने भी एम्प्लॉयर से मिले हों, जिसमें बेसिक सैलरी पूरा आएगा, डियरनेस अलाउंस खाली परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ही कंसिडर किया जाएगा, बोनस पूरा आएगा, फी पूरा आएगा, कमीशन पूरा आएगा, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट पूरा आएगा, अलावेंसेस का खाली टैक्सेबल पोर्शन आएगा, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस पूरा नहीं आएगा, खाली टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस आएगा, और कोई भी मॉनेटरी पेमेंट है वो आएगा, परक्विजिट्स नहीं आएंगे, क्लियर रखना। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, प्रोफेशनल टैक्सेस भी नहीं आएंगे। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, तो आपको करना क्या है,
बेसिक सैलरी लेनी है, डीएनएस अलाउंस जितना टर्म्स में लिखा हुआ है, जितना परसेंटेज लिखा हुआ है वही कंसीडर करना है, कुछ नहीं लिखा तो आप नोट डाल के बोल सकते हो टर्म्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यू कैन पुट एन अजम्पशन। बोनस पूरा लेना है, फीस पूरा लेना है, कमीशन पूरा लेना है, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट पूरा लेना है, अलाउंसेस का खाली टैक्सेबल पोर्शन लेना है चाहे कोई भी अलाउंस हो, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स नहीं लेने, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेना, बाकी सारा का सारा अमाउंट लेके खाली उस पीरियड का सैलरी लेना जिस पीरियड का एकोमोडेशन आपने यूज किया है, और फिर उसके ऊपर 7.5, 10, 15 या फिर अगर बाय हायर है तो 15% और एक्चुअल हायर चार्जेस व्हिच एवर इज लोअर कंसिडर करना है। कई बार आपको दो घर दिए जाते हैं ताकि आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो सको, जब आप मूव करते हो तो उस सिचुएशन में अगर दो घर है तो 90 दिनों तक दोनों घर की वैल्यूएशन में जो वैल्यूएशन कम आएगी खाली हम वही टैक्सेबल करेंगे, 90 दिन के बाद भी अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा घर हैं तो हम सारे के सारे टैक्सेबल कर देंगे, मल्टीपल टाइम्स आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर आपको रिमोट एरिया में दिया जाता है या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है तो हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करते। यही अगर हम कह दें फर्निश्ड एकोमोडेशन है तो जो किया वो तो किया ही, वो तो रहेगा ही, उसके अलावा जो आपको मूवेबल एसेट्स दिए गए वो मूवेबल एसेट्स का 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और हायर चार्जेस एज द केस में बी लेस पेड बाई एम्प्लॉय करना होगा, जैसे एसी दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, ऐसा कुछ भी दिया, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल दिया होगा तो एग्जेम्प्ट है, यानी अपने आप में कुछ नया नहीं है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट ही वापस कॉपी किया हुआ है जब हम फर्निश्ड एकोमोडेशन की बात करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है होटल की परक्विजिट दी गई, अगर होटल में रहने का आपको परक्विजिट दिया है तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर, अगर कुछ पेड बाई एम्प्लॉय है तो उतना आप लेस कर दोगे, जिसमें सेम सैलरी वही रहेगी जो भी हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में डिस्कस किया। अगर आपको 15 दिन तक के लिए होटल दिया है तो कुछ टैक्सेबल नहीं करेंगे, 15 दिन के बियॉन्ड हो जाता है तो जितना बियॉन्ड हो जाता है हम खाली उतना ही टैक्सेबल करते हैं, 24% ऑफ सैलरी जितने टाइम के लिए वो अकोमोडेशन दिया, और एक्चुअल हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर का लगा होगा विच एवर इज लोअर माइनस पेड बाई एम्प्लॉय हमें करना होगा। ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एलटीसी के अलावा कोई और ट्रैवल होता है तो जितना आपको एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया उतना सीधे सीधे आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा, उतना ही ध्यान में रखना है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने दिए तो जितने दिए वो आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगा, क्लब एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया तो जितना किया वो आपके सैलरी का पार्ट हो जाएगा। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एक एम्प्लॉयर ने सारे एम्प्लॉयज के लिए एक समूह में कर दिया है कि सबका मैंने एक साथ 15 लाख का कोई ना कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप या ऐसा कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया तो कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रुप हो गया तो वहां बाइफर्केशन नहीं हो सकता है, वो हम सीधे सीधे एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वहां हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करते हैं। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट परक्विजिट आ जाता है, मोटर कार परक्विजिट। मोटर कार परक्विजिट को आप कैसे रीड करते हो, सबसे पहले आप इनको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दो, गाड़ी अपनी है खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो लेफ्ट साइड, गाड़ी अपनी है खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो लेफ्ट साइड, गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा या तो एम्प्लॉयर कर रहा है या मैं कर रहा हूं, गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा या तो मैं कर रहा हूं या एम्प्लॉयर कर रहा है तो राइट साइड, तो पहले लेफ्ट साइड पढ़ लो। लेफ्ट साइड में बोला हुआ है कि गाड़ी अपनी है, सिर्फ खर्चा एम्प्लॉयर करता है तो खाली जो खर्चा एम्प्लॉयर करता है वही तो परक्विजिट है, जिसमें अगर ये गाड़ी 100% ऑफिशियल में यूज होती है तो थोड़ी कुछ टैक्सेबल करेंगे, इट इज फुली एग्जेम्प्ट। बट अगर ये गाड़ी 100% प्राइवेट में यूज होती है तो एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा आपके लिए किया वो जितना खर्चा उसने किया होगा रनिंग एक्सपेंस का, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, पेट्रोल का, डीजल का या ड्राइवर का, वो सब आपकी ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा। लेस पेड बाय एम्प्लॉय, अगर आपने कुछ रीइंबर्स कर लिया तो उतना लेस कर दिया जाएगा। अगर हम कहते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपको खर्चे दिए हैं आपकी अपनी गाड़ी पे और वो खर्चे जो आपने एम्प्लॉयर को अपनी गाड़ी पे दिए हैं वो गाड़ी थोड़ी प्राइवेट यूज होती है थोड़ी पर्सनल, अभी परसेंटेज कुछ भी हो, पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल, परसेंटेज डज नॉट मैटर, मिक्स मिक्स है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया पहले वो लिख लो, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया वो लिख लो, जितनी ड्राइवर सैलरी एम्प्लॉयर ने पे की वो भी लिख लो, उसमें से माइनस करो 1800 रुपए प्रति महीना या 2400 रुपए प्रति महीना, ओनली फॉर कंप्लीटेड मंथ्स, यानी जितने महीने पूरे होंगे नीचे की तरफ राउंड ऑफ करना है, मंथ्स जितने महीने कंप्लीट हुए तो 2 महीने 20 दिन तो 2 महीने कंसीडर करने हैं, 1800 या 2400 डिपेंडिंग अपॉन कि गाड़ी का सीसी कितना है। अगर गाड़ी का सीसी 1600 सीसी से ज्यादा है, 1600 सीसी से ज्यादा है, 1.6 लीटर से ज्यादा है, यानी 1601 सीसी है या उससे ज्यादा है या 1600 सीसी से सीधे सीधे ज्यादा है तो 2400, या 1600 सीसी तक है तो 1800 रुपए पर मंथ, ये आपको लेस करना है। और अगर ड्राइवर की भी सैलरी दी होगी जो आपने एक्चुअल में इंक्लूड की होगी तो लेस और करना है 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के हिसाब से, जो बैलेंस बच के आएगा उसमें से कुछ पेड बाय एम्प्लॉई है तो जो बच के आएगा वो ग्रॉस सैलरी में जाएगा। ये तब जब पार्टली प्राइवेट है पार्टली ऑफिशियल है, जिसके अंदर गाड़ी अपनी है और खर्चा एम्प्लॉयर का है, तो पहले टोटल एक्चुअल खर्चे ले लो, उसमें से 1800 या 2400 एज द केस में भी लेस कर दो, और 900 तभी लेस करो अगर एक्चुअल में ड्राइवर की सैलरी भी पे की होगी एम्प्लॉयर ने, तो ये तब जब गाड़ी अपनी है, गाड़ी अपनी नहीं है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा या तो अपना है या फिर खर्चा एम्प्लॉयर का है तो क्या करेंगे। अगर 100% ऑफिशियल है तो अगेन वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, दिमाग ही नहीं लगाना है। बट अगर 100% प्राइवेट है तो गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो गाड़ी भी तो एक यूज ऑफ मूवेबल एसेट है, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी।
और अगर खर्चे भी एम्प्लॉयर दिखता है तो एम्प्लॉयर ने जितने खर्चे दिए वो सारे के सारे एम्प्लॉयर ने जो ड्राइवर की सैलरी दी वो भी लेस पेड बाय एम्प्लॉई आपकी ग्रॉस सैलरी में चला जाएगा। और अगर खर्चे एम्प्लॉयर नहीं देखता है एम्प्लॉय देखता है तो खाली गाड़ी का जो यूज ऑफ मूवेबल एसेट है 10% और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी लेस पेड बाय एम्प्लॉय खाली भाई लिया जाएगा। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये लास्ट वाला, गाड़ी एम्प्लॉयर की है खर्चा या तो एम्प्लॉयर का है या मेरा है, जिसमें ये थोड़ा यूज हो रहा है पर्सनल थोड़ा यूज हो रहा है ऑफिशियल, तो हम उस केस में क्या करेंगे। सबसे पहले देखो खर्चा एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉय का। अगर खर्चा एम्प्लॉय का है, अगर खर्चा एम्प्लॉय का है और गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो उस केस में या तो आंसर 600 पर मंथ या 900 पर मंथ होगा फॉर कंप्लीटेड मंथ, कोई लेस पेड बाय एम्प्लॉय नहीं होगा, फ्लैट इतना टैक्सेबल होगा 600 या 900 पर मंथ। 600 कब, जब 1600 सीसी तक है, और 900 कब, जब 1600 सीसी से ज्यादा है। कोई पेड बाय एम्प्लॉय लेस नहीं होगा, दिया भी होगा क्वेश्चन में तो भी इग्नोर करो, सीधे 600 या 900 कब, जब खर्चे कौन मीट कर रहा है, एम्प्लॉय मीट कर रहा है, एम्प्लॉय मीट कर रहा है। अगर खर्चे एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, गाड़ी तो है ही एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, तो 1800 या 2400, 1800 कब, जब 1600 सीसी तक है, 2400 कब, जब 1600 सीसी से ज्यादा है, पर मंथ ओनली फॉर कंप्लीटेड मंथ्स। अगर इसके अलावा बोला है ड्राइवर की सैलरी भी एम्प्लॉयर दे रहा है तो चाहे 600 हो, 900 हो, 1800 या 2400 हो, इन चारों में से कोई भी एक होगा उसमें 900 पर मंथ और ऐड हो जाएगा, इतना फ्लैट टैक्सेबल किया जाएगा जो ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आपको ध्यान में ऐसे रखना है 600, 900, 1800, 2400, 600, 900 तब जब खर्चे एम्प्लॉय देखता है, 1800, 2400 तब जब खर्चे एम्प्लॉयर देखता है, जिसमें 600 से 900 तब जाओगे जब सीसी क्रॉस होगा, 1800 से 2400 तब जाओगे जब सीसी क्रॉस होगा, और इन चारों में से जो भी आया उसमें प्लस 900 भी कर दोगे अगर ड्राइवर की सैलरी भी एम्प्लॉयर दे रहा होगा। ध्यान रखना खाली कंप्लीटेड मंथ्स ही कवर आपको करने होंगे जब गाड़ी एम्प्लॉय को दी गई या मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड को प्रोवाइड की गई, और कंप्लीटेड मंथ्स ही देखोगे। अगर एक से ज्यादा गाड़ी दी गई, अगर एक से ज्यादा गाड़ी दी गई भाई एम्प्लॉयर, तो उस सिचुएशन में एक गाड़ी को आपको पाटली मानना है और बाकी सारी गाड़ी को प्राइवेट ही मानना है, फिक्स है जिसमें से वो कौन सी गाड़ी होगी वो आपकी चॉइस है, जस्ट लाइक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, और वो चॉइस हर साल चेंज हो सकती है, वो आपके ऑप्शन पे रहेगा, पर एक ही को पाटली मानोगे और बाकी सारी गाड़ियों को प्राइवेट मान के ही आपको ट्रीटमेंट करना रहेगा। ये मोटर कार का हमारा परक्विजिट कवर हो गया। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसॉप का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर टैक्सेबिलिटी कैसे की जाती है। आपको कुछ शेयर्स डिस्काउंट पे दिए गए, कुछ शेयर्स डिस्काउंट पे दिए गए या फ्री दिए गए, तो ये भी तो एक बेनिफिट है। ये जो बेनिफिट है इसका वैल्यूएशन आपको करना होगा। जैसे 200 रुपए के शेयर्स आपको 100 रुपए में दे दिए, तो जो 100 रुपए का डिफरेंस है वो आपकी ग्रॉस सैलरी में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको 200 रुपए की चीज 100 में मिल गई तो 100 का बेनिफिट मिला है। जिसके अंदर ये जो आपका कैलकुलेशन वगैरह किया जाएगा, इस कैलकुलेशन में हमें ध्यान में क्या रखना है कि ये एफएमबी कैसे निकाली जाती है। सबसे पहली चीज जो एफएमबी निकाली जाएगी वो एक्सरसाइज डेट की निकाली जाएगी, एक्सरसाइज डेट की निकाली जाएगी। एक होता है जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, और एक होता है जिस दिन आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। हमने कहा ये एक्सरसाइज डेट की निकाली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज डेट की निकाली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन ये लिस्टेड शेयर्स है या अनलिस्टेड शेयर्स है। अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो एक्सरसाइज डेट को जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी उसका एवरेज लोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लोगे। और अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि वो मर्चेंट बैंकर ने निकाल के वैल्यूअर की रिपोर्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया होगा। बट अगर लिस्टेड शेयर्स है तो एक्सरसाइज डेट का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसका एवरेज लोगे। अब अगर आपको ऐसा दिखाई दिया कि सर जिस दिन एक्सरसाइज हुआ उस दिन जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ओपनिंग और क्लोजिंग है उसका एवरेज लेना है, बट ये तो बीएससी में भी लिस्टेड है और एनएससी में भी लिस्टेड है, तो हम किसको लें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो जिस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सरसाइज डेट वाले दिन हायर वॉल्यूम है जितना ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है वो अगर ज्यादा है तो उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज आपको कंसिडर करना होगा अगर मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो अगर आप कहते हो सर उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई, एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे था पर समझो उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई, तो फिर आपको उस सिचुएशन में जो पिछला दिन है जिस दिन ट्रेडिंग हुई पिछला दिन है उसकी क्लोजिंग प्राइस लेनी है। सर पिछले दिन में मल्टीपल पे ट्रेडिंग हुई है तो फिर जिसमें हायर वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुई है उसका आपको क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करना होगा। ध्यान में रखना कैपिटल गेन में जब हम सेक्शन 112 ए पढ़ते हैं तो उसमें भी एफएमबी लेनी होती है 31(1)(18) की, और यहां ईसॉप में भी आपको एफएमबी लेने बोली है, और दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब आपको ईसॉप में लेनी बोली है तो एवरेज लेने बोला है क्लोपनिंग और क्लोजिंग का, और अगर वो नहीं मिला तो पिछले दिन का क्लोजिंग लेने बोला है, जबकि 112 ए में जब एफएमबी ऑन 31/118 बोलते हैं तो 31/118 का हाईएस्ट लेने बोलते हैं, और अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं है तो पिछले दिन का भी हाईएस्ट लेने बोलते हैं, जबकि यहां पर एवरेज लेने बोलते हैं और पिछले दिन का क्लोजिंग आपको लेने बोला जाता है। इस तरीके से डिफरेंस निकाल के आपका एफएमबी माइनस एक्चुअल जो भी चार्ज किया गया उसे टैक्सेबल कर दिया जाता है। टैक्सेबल कौन से साल में होगा, एक्सरसाइज वाले साल में नहीं, जिस साल अलॉटमेंट होगा, तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट होता है।
हालांकि जो उसकी एफएमबी माइनस प्राइस चार्ज की गई, वो जो निकाली जाती है एफएमबी, वो ऑन द एक्सरसाइज डेट ऑफ ऑप्शन होता है। तो किस दिन ऑप्शन मिला इरेलेवेंट है, किस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन की एफएमबी लेनी है, और किस दिन टैक्सेबल होगा वो ईयर ऑफ अलॉटमेंट कंसीडर हमें करना होगा। कैपिटल गेन की इसमें एक लिंकिंग आती है, लिंकिंग क्या आती है कि अभी मुझे ₹200 के शेयर ₹100 में मिल गए, ₹200 के शेयर ₹100 में मिल गए, तो ₹100 परक्विजिट है, वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। अब जिस भी साल में बेचूंगा उस साल जो कॉस्ट लिया जाएगा वो 200 लिया जाएगा, ना कि 100, जबकि मुझे पड़ा तो 100 में था, लेकिन फिर भी 200 लिया जाएगा, क्योंकि जो बाकी बैलेंस 100 था वो टैक्सेबल कभी ना कभी कर दिया गया। तो अब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हेनेवर यू सेल दिस शेयर्स विल बी टेकन एज 200 ओनली। ये क्लियर किया है। अब इसके अंदर ईसॉप पढ़ते वक्त एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान में रखनी होती है, अगर ये ईसॉप आपको मिला है फ्रॉम एन एलिजिबल स्टार्टअप जो 80 ISC में कवर्ड है, 80 ISC के कंडीशंस उसने सैटिस्फाई की, एक एलिजिबल स्टार्टअप से मिला है, तो उस केस में जो ये परक्विजिट वैल्यूएशन होता है, जो आपने परक्विजिट वैल्यू की, ये परक्विजिट वैल्यू टैक्स की जाएगी, पर टैक्स अभी नहीं की जाएगी, डेफर्ड डेट पे की जाएगी। और वो डेफर्ड डेट क्या होती है, 3 डेट्स निकाल के विच एवर इज अर्लियर में 14 दिन एड करना है, 3 डेट्स निकाल के विच एवर इज अर्लियर करके जो डेट आएगी उसमें 14 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पे करना होता है। जिसके अंदर ये 3 डेट्स क्या होती है, जिस भी साल अलॉटमेंट किया गया शेयर्स का उस असेसमेंट ईयर के एंड से 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर में अलॉटमेंट किया गया था, या फिर जिस दिन आपने इन ईसॉप को बेचा, या फिर जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर जो भी डेट आई वहां से 14 दिनों के अंदर अंदर ये आपको पे करना होता है। तो ये एलिजिबल स्टार्टअप के केस में छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी होती है ईसॉप की जब हम बात करते हैं। अब कुछ परक्विजिट्स जो सबके लिए एग्जेम्प्ट है, जो हमने वैसे स्टार्टिंग में ही कवर कर लिए, अगर टेलीफोन बिल वगैरह मोबाइल चार्जेस वगैरह रीइंबर्स किया जाता है या पूरा खर्चा देखा जाता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता है, 1-1 रुपया एग्जेम्प्ट किया जाता है। अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ भी पेमेंट किया गया है बाय द एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉय, वो भी आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता है। अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता है। एंड कोई भी तरह की कन्वीनियंस फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है कैंपस के अंदर या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसा कुछ भी, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ये हमारा परक्विजिट्स के रिलेटेड सारा डिस्कशन क्लोज आ गया। अब नेक्स्ट हमारा डिस्कशन आ जाता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 4 तरीके के हो गए। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, भारतीय रेल के एम्प्लॉय हो तो SPF होता है। रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये बाकी सब प्राइवेट कंपनीज में होता है, जिसमें अगर आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज बोला है तो RPF है, नहीं तो उसे URPF कहेंगे। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वालों के लिए नहीं होता, कि मुझे खुद को प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है मेरे फ्यूचर के लिए, तो उस केस में मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालूंगा। एक एक करके डिस्कस करें। अगर हम पहले SPF की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है फुल्ली एग्जेम्प्ट, जितना भी करे फुल्ली एग्जेम्प्ट। जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो कोई एग्जेम्पशन थोड़ी होता है, वो तो आपका एक खर्चा होता है जो आप सैलरी में से टैक्स भरने के बाद देते हो, इसीलिए उसका 80C में डिडक्शन मिलता है, जो मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकता है, क्योंकि टोटल लिमिट ही वहां 1.5 लाख की होती है, यानी इसको सैलरी में इंक्लूड नहीं करना होता है, सीधे इसका डिडक्शन देना होता है 80C में। ये नहीं पहले ऐड करोगे और फिर 80C का डिडक्शन दोगे, सीधे 80C में डिडक्शन दो। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों पे जितना भी इंटरेस्ट मिले, कितना भी इंटरेस्ट मिले, किसी भी रेट पे मिले, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। SPF की बात कर रहे हैं। और जब विड्रॉ करोगे, जब भी विड्रॉ करोगे SPF में से, जो भी विड्रॉ किया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंटरेस्ट और एम्प्लॉय इंटरेस्ट और एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्टेड 10 क्लॉज 11 में, सब कुछ एग्जेम्प्टेड, एक भी रुपया टैक्सेबल नहीं होगा। RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा तो एम्प्लॉयर ने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया पहले वो ग्रॉस सैलरी में आना चाहिए। हालांकि 12% ऑफ सैलरी तक का एग्जेम्पशन मिलेगा, तो जो बैलेंस बचेगा वही ग्रॉस सैलरी में डाला जाएगा। 12% ऑफ सैलरी में, यहां सैलरी का मतलब अगेन GD है, तो एक लिमिट तक का एग्जेम्पशन मिलेगा इन केस ऑफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फॉर अ प्रीवियस ईयर। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको कहीं ऐड नहीं करना है, सीधे 80C में डिडक्शन मिलेगा, दैट्स इट। जो इंटरेस्ट है, चाहे जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट हो या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट हो, उस पर 9.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट होगा तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। 9.5% से ज्यादा होगा तो जितना एक्सेस है उसको ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करके हम टैक्सेबल कर देंगे, 9.5% तक का ही एग्जेम्पशन मिलने वाला है। जब विड्रॉ हुआ मतलब कि आप पैसे निकाल रहे हो, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन या दोनों के ऊपर ब्याज फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा 10 क्लॉज 12 के अंदर। लेकिन यहां एक शर्त है, SPF में ऐसी शर्त नहीं थी, RPF में एक शर्त है। शर्त क्या है? आपने 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस की होनी चाहिए। अगर 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस की होगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट करेंगे, नहीं तो फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ विड्रॉल। जब भी विड्रॉ करोगे
तो जिस भी साल विड्रॉ करोगे उस साल फुली टैक्सेबल कर देंगे अगर 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस नहीं आई होगी। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? तबियत खराब हो जाने की वजह से आपको ये पैसे निकालने पड़ गए तो एप्लीकेशन वगैरह देना होगा, फुली एग्जेम्प्ट कर देंगे। आपके एम्प्लॉयर का ही धंधा बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया तो आप क्या करते? 5 साल कंटिन्यूस नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आपके ऐसा कोई रीजन था जो आपके कंट्रोल में नहीं था तो वो प्रूव करना पड़ेगा आपको, सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑफिसर को, या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज की तो पुराने पीएफ के खाते से नए पीएफ के खाते में डाल दिया तो भी चलेगा, या फिर आपने उस पैसे को उठा के एनपीएस में डाल दिया तो भी चलेगा। हम उस केस में वो 5 साल ऑफ कंटिन्यूस सर्विस वाली बात को बीच में आने नहीं देंगे। दिस इज विद रिगार्ड टू आरपीएफ। व्हाट अबाउट यूआरपीएफ? यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी हो फुली एग्जेम्प्ट, जितना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में, नहीं मिलेगा यूआरपीएफ में। यूआरपीएफ में एटीसी का डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है बट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलता है, यानी भूल जाओ उसको, देखो ही मत क्वेश्चन के अंदर। और जो इंटरेस्ट होता है वो फुली एग्जेम्प्ट है। हालांकि विड्रॉल के वक्त यूआरपीएफ की पूरी कहानी बदल जाती है। विड्रॉल के वक्त यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरीज में टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी सैलरी में टैक्सेबल है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा क्योंकि जब डिडक्शन ही नहीं मिला पहले तो फिर से टैक्स करना तो गलत हो जाएगा ना, तो क्योंकि पहले डिडक्शन मिला अभी कुछ नहीं करेंगे, नॉट टैक्सेबल। और जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा विड्रॉल के वक्त यूआरपीएफ में। वहीं अगर हम बात करें पीपीएफ की तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा तो कुछ होगा ही नहीं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी गलत वर्ड होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड ने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उसका एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा सीधे 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 सीधे, खर्चा क्लेम कर लो जीटीआई के बाद। जो इंटरेस्ट होगा वो फुली एग्जेम्प्ट है, एंड जब भी विड्रॉ करोगे पीपीएफ में से वो फुली एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया कर रहा होगा वो पूरा 10 क्लॉज 11 में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब एक छोटी सी बात जो पिछले ही साल ऐड हुई थी, फ्रेश अमेंडमेंट नहीं है बट ध्यान में रखने वाली बात है, एसपीएफ और आरपीएफ, एसपीएफ और आरपीएफ के रिलेटेड है खाली ये बात। एसपीएफ और आरपीएफ में जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें हमने क्या बोला हुआ है कि एसपीएफ के केस में तो पूरा एग्जेम्प्ट है और आरपीएफ के केस में 9.5% तक का जो ब्याज दर होगा उतने तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गया तो टैक्सेबल होगा। अब इसमें एक कंडीशन और डाल दी गई, एक और कंडीशन क्या डाल दी गई कि जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है विद रिस्पेक्ट टू आरपीएफ एंड एसपीएफ वो 2.5 लाख रुपए तक का होगा साल में, तो 2.5 लाख रुपए तक के ऊपर जो ब्याज मिला होगा ना वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर जितना भी ब्याज होगा जिस भी रेट पे वो फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब समझो मेरा आरपीएफ है, आरपीएफ में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मैंने 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख रुपए तक की जो वैल्यू है उसके ऊपर 9.5% के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा खाली वही टैक्सेबल है। और जो 2.5 लाख के ऊपर की अमाउंट है 50,000, उस 50,000 पे तो पूरा इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, नो एग्जेम्प्शन शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट इनकम अक्रूड इन आरपीएफ या एसपीएफ to the extent it relates to the contribution made by employee over 2,50,000, 2.5 लाख के ऊपर। अभी ये जो 2.5 लाख की लिमिट है ये 5 लाख कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी? जब एक ऐसे फंड में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जिसमें एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, तो क्योंकि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता तो एम्प्लॉय को 5 लाख की डबल द लिमिट, हायर द लिमिट दे दी गई है सेम प्रोविजन के लिए। बट जनरली एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है क्योंकि एज पर ईपीएफ एक्ट उसे मैच करना होता है, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय के लिए 2.5 लाख की लिमिट रहेगी। तो दो लिमिट है, 2.5 लाख या फिर 5 लाख। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है इन आरपीएफ या एसपीएफ, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आरपीएफ है आपके लिए, आरपीएफ में अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है तो 2.5 लाख रुपए तक के कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 9.5% तक का जो ब्याज होता है वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जाता है तो ही टैक्सेबल है। बट अगर 2.5 लाख के ऊपर चला जाता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो जितना ऊपर चला गया उसके पूरे के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाता है, फिर 1 रुपए का भी हम आपको वहां पर एग्जेम्प्शन प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। और अगर कोई ऐसा फंड है जिसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो लिमिट 2.5 लाख की नहीं रहेगी, वो लिमिट हम 5 लाख की कर देंगे। तो ये छोटी सी बात इज विद रिगार्ड टू एसपीएफ आरपीएफ। इसके रिलेटेड एक रूल भी है, रूल 9D, पर वो आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता, दैट इज नॉट यूजफुल एट ऑल, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हमारे प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब प्रोविडेंट फंड के बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है जो रीसेंट थोड़ा सा अमेंडमेंट है, फ्रेश नहीं है, रीसेंट अमेंडमेंट है। और उसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ, न्यू पेंशन स्कीम और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये तीनों मिला के आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इन तीनों का मिला के एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन साल में 7.5 लाख के ऊपर जाता है, 7.5 लाख के ऊपर जाता है, तो जितना ऊपर जाता है वो ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा जितना ऊपर जाता है। एंड इतना ही नहीं, 7.5 लाख के ऊपर जितना ऊपर गया उस ऊपर गए पोर्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल किया जाएगा।
अब हम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी जो 2.5 लाख और 5 लाख वाली बात की वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट था, और अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है। एग्रीगेट बेसिस पे अगर 7.5 लाख के ऊपर गया होगा तो जितना 7.5 लाख के ऊपर गया होगा उतना हम टैक्सेबल कर देंगे ग्रॉस सैलरी में, और जितना 7.5 लाख के ऊपर गया होगा उसके ऊपर जो ब्याज होगा वो भी हम टैक्सेबल कर देंगे और ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। जिसके लिए आपको रूल 3B का एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 × R प्लस लास्ट ईयर का पीसी, लास्ट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट, उन दोनों को जोड़ के × R करके जो नंबर आएगा वो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी जो आपको ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड करना होगा। तो अभी इसमें फॉर्मूला में नहीं उलझना चाहिए, एक क्वेश्चन जो हम क्लास में करते हैं खाली वो क्वेश्चन ही आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स अपॉइंटेड CFO ABC लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1/9/2020 जिसकी बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ है, ही इज पेड 8% डियरनेस अलाउंस, ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पे एंड डियरनेस अलाउंस टुवर्ड्स RPF एंड कंपनी भी उतना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो निकल के आपका आ जाएगा। फिर आपको बोला है जो एक्युमुलेटेड बैलेंस आपका आरपीएफ में पड़ा है 8/4/21 को, 31/3/22 को और 31/3/23 को, वो एक्युमुलेटेड बैलेंस 50,35,000, 71,46,794,57,700 है। आपको परक्विजिट वैल्यू निकालनी है असेसमेंट ईयर 22-23 में भी और असेसमेंट ईयर 23-24 में भी। तो अगर हमें ये कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है और जो डियरनेस अलाउंस है उसको प्लस करेंगे, उसको प्लस करने के बाद उसके ऊपर 10% करेंगे तो हमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। वो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जब आप निकालोगे तो वो 7.5 लाख से अगर ज्यादा आया तो जितना ज्यादा आया वो आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने जब सॉल्व किया था तो हमें जो नंबर निकल के आया था वो 7.5 लाख से कितना ज्यादा आया था, 27,600 निकल के आया था। सो 27,600 उठा के पहले आप ग्रॉस सैलरी में डाल दोगे और इस 27,600 को क्या बुलाना चालू कर दोगे, पीसी, इसको पीसी बुलाना स्टार्ट कर दोगे। अब आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए जो टैक्सेबल परक्विजिट आपको निकालना है जिसको उठा के आपको ग्रॉस सैलरी में डालना है तो आप करोगे पीसी डिवाइड बाई 2 × R। तो पीसी क्या आया, 27,600 डिवाइड बाई 2 × R। ऐसे ही पिछले साल भी तो आपने पीसी निकाला होगा, पिछले साल भी तो टीपी निकाला होगा, तो जो पिछले साल का पीसी या टीपी होगा उसको ऐड करोगे, तो सेम चीज आपने पिछले साल भी की होगी तो पिछले साल का पीसी और टीपी लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे बार आर, जिसमें जो आर आपको कैलकुलेट करना होता है वो आई अपॉन फंड एवरेज होता है, आई अपॉन फंड एवरेज होता है। तो आई अपॉन फंड एवरेज निकालने के लिए आपको बैलेंसेस देने होंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं आई अपॉन फंड एवरेज की बात करूं तो देखो आई क्या बोला हुआ है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन आरपीएफ एनपीएस या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह अक्रू हुआ होगा वो आपका आई का अमाउंट है जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अक्रू हुआ होगा, और जो एफ एवरेज है वो आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर का जो बैलेंस है उसको एड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहां पर जो 22-23 का कैलकुलेशन किया होगा वो 71,46,700 और 94,57,700 का एवरेज लिया होगा, दैट इज 83,02,200। एंड फिर जो आपका आई है उसमें आपने क्या किया होगा, 94,57,700 एंड का है और 71,46,700 ओपनिंग का है, तो इनको लेस करके एक अमाउंट आया होगा, और ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लेस करोगे, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लेस करोगे, तो जो बच के आएगा वो आपका आई आ जाएगा। इस तरह से आई अपॉन एफ एवरेज जो आएगा वो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जो आपका नंबर निकल के आएगा वो आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब ये जो अमाउंट निकल के आई ना ये अगले साल का टीपी वन बन जाएगा, और इस बार का जो 27,600 आया था वो अगले साल का पीसी वन बन जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन करना होगा तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे। इसके पूछे जाने के चांसेस अब थोड़े कम है, पूछा भी जाएगा तो एमसीक्यू में कहीं डाला जाएगा। ये हमारा एक डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट आता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का डिस्कशन। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने पीजीबीपी में भी डिस्कस किया था, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन सेक्शन 37 में मिल जाता है। अब टैक्सेबल किसके लिए होगा वो डिपेंड करता है मिला किसको, अगर एम्प्लॉय को ही मिला तो सैलरी में टैक्सेबल किया जाएगा, अगर बिजनेस को मिला तो पीजीबीपी में किया जाएगा, और अगर वो एम्प्लॉई नहीं है और उस पर्सन को मिला जैसे पार्ट टाइम डायरेक्टर है या एम्प्लॉई के लीगल हेयर को मिला तो उस सिचुएशन में उसे टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ये हमारा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड डिस्कशन हो गया। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 89 रिलीफ। सेक्शन नंबर 89 रिलीफ बड़ा ही साइड का सेक्शन है, मैं खाली काम की बात बता देता हूं जो आपको करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपको बोला जाएगा आपको एरियर्स ऑफ सैलरी मिला है, एरियर्स ऑफ सैलरी मिला है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एरियर्स ऑफ सैलरी जिस साल मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है, बट है तो वो किसी और साल का पर मिला है किसी और साल, समझो 2015-16 का कुछ एरियर्स ऑफ सैलरी है, 2015-16 का कुछ एरियर्स ऑफ सैलरी है और वो मिला है 2022-23 में, 2022-23 में, तो आपने 2022-23 में एरियर्स ऑफ सैलरी को सैलरी में इंक्लूड किया होगा और इस साल की इनकम वगैरह निकाल दी होगी, इस साल का टैक्स वगैरह निकाल दिया होगा। जब 2022-23 का आपका पूरा टैक्स निकल जाए, सारा टैक्स निकल जाए, तब उसके बाद आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकालना है। सब टोटल टैक्स निकल जाने के बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकालना है।
जिसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, जिस साल आपको एरियर्स मिला है, दैट इज 22-23, जिस साल आपको एरियर्स मिला है उस साल की इनकम में एरियर्स को इंक्लूड करो और उस पर एक टोटल टैक्स निकालो और उसको नाम दे दो ए और उसको साइड में रख दो। तो 22-23 में जो भी आपकी इनकम है उसमें एरियर्स ऑफ सैलरी को भी शामिल करो, उस इनकम पे टोटल टैक्स निकालो और उसको साइड रख दो और उसको नाम दे दो ए। फिर क्या करो, उसी साल 22-23 की ही फिर से टोटल टैक्स निकालो, लेकिन इस बार टोटल टैक्स निकालते वक्त, इनकम लेते वक्त एरियर्स ऑफ सैलरी को मत लो, एरियर्स ऑफ सैलरी को छोड़ के बाकी इनकम पूरी की पूरी लो और उसके ऊपर फिर से टोटल टैक्स निकाल दो और उसको नाम दे दो बी। इस तरह से ए निकल गया और एक बी निकल गया, ए माइनस बी करके एक अमाउंट निकाल के साइड में रख दो और उसको नाम दे दो सी। फिर से कह रहा हूं, 22-23 में कुछ एरियर्स ऑफ सैलरी मिली है, हालांकि वो था कौन से साल की, 1500 की। तो पहले आपने 22-23 का पूरा टोटल इनकम और टोटल टैक्स निकाला इंक्लूडिंग द एरियर्स ऑफ सैलरी, फिर उसके बाद रिलीफ निकालने जा रहे हो। अब जब आप रिलीफ निकालने जा रहे हो सेक्शन नंबर 89 के अंदर, तो सेक्शन नंबर 89 कहता है कि 22-23 में दो नंबर्स निकालो। 22-23 में दो नंबर्स क्या निकालो, 22-23 की इनकम में एक बार लो एरियर्स ऑफ सैलरी और टोटल इनकम लेके उस पर टोटल टैक्स निकालो और उसको ए बोल के साइड में रखो। फिर से 22-23 की टोटल इनकम निकालो, लेकिन इस बार टोटल इनकम में एरियर्स ऑफ सैलरी मत लेना जैसे वो है ही नहीं, और उस पर टोटल टैक्स निकालो और उसको बी बोल दो, ए माइनस बी करके सी साइड में निकाल के रख दो। अब क्या करो, 1516 में जाओ, 1516 की जो भी इनकम है उसमें उस एरियर्स ऑफ सैलरी को लो और 1516 की टोटल इनकम में 1516 के टैक्स रेट्स के हिसाब से 1516 का टोटल टैक्स निकालो, 1516 के रेट्स के हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि पुराने साल के अलग स्लैब रेट्स रहे होंगे, उसको नाम दे दो डी। फिर से 1516 का ही टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो, लेकिन इस बार एरियर्स मत लो, एरियर्स को मत लो और टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो 1516 के रेट्स के हिसाब से, 1516 का टैक्स रेट। तो 1516 में जो अब फिर से अमाउंट निकल के आई उसको नाम दे दो ई। इस तरह से एक डी निकल गया और एक ई निकल गया, डी माइनस ई करके निकाल लो एफ, डी माइनस ई करके निकाल लो एफ। इधर सी निकाला हुआ था, इधर एफ निकाला हुआ था, सी माइनस एफ करके एक नंबर आएगा। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो जितना ये नंबर आया वो आपका ए रिलीफ है, उस रिलीफ को लेस कर दो टोटल टैक्स में से, जो बच के आएगा वो आपका नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो भी होना होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सामने जो चार्ट दिया है ना वो यही किया है, करंट असेसमेंट ईयर में पहले टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग निकालो, फिर टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग निकालो, टैक्स डिफरेंस निकाल के उसको साइड में रख लो, फिर जिस भी प्रायर असेसमेंट ईयर की बात हो रही है उसमें टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग निकालो, टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग निकालो, इन दो ईयर का ही रेट्स, एंड फिर डिफरेंस निकाल के साइड में रख दो, फिर जो भी आया उस डिफरेंस को का डिफरेंस करो, डिफरेंस वन डिफरेंस टू सी माइनस एफ करके जो आया, और फिर वो आपका निकल के आ जाएगा रिलीफ का अमाउंट। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। ये हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का बात आ गया, ये सिर्फ एक समरी दी हुई है, सैलरी का मतलब अलग अलग जगहों पे क्या है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब अलग अलग जगह पे क्या है, रेफरेंस के लिए जो आपने वैसे ही ध्यान में रख लिया तो हमारा काम हो ही गया। ये हमारा पूरा सैलरी चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज हो जाता है एंड टू एंड, जितनी भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जितनी भी बातें आपके लिए एग्जाम में जरूरी है।